ठीक है, वो बात की बात है। देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ तुमको, एक होता है इनलाइन सीएसएस, एक होता है इंटरनल सीएसएस, एक होता है एक्सटीरियर सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस में हम लोग क्या क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं, यहाँ पे ये हेड के अंदर में, तो यहाँ लिखेंगे क्या, स्टाइल। ठीक है, एच वन इसको यहाँ से हटा देते हैं अब, तो एच वन है तो यहाँ लिखेंगे एच वन, एच वन ब्रेसेस। यहाँ पे क्या करना था हमको, कलर चेंज करना था ना, तो यहाँ कलर डाल दिए, और वही जो कि हेक्स कोड था हैश। देखो सेम काम ये भी करेगा, आई गेस यहाँ कहीं ये वाला छूट गया, इसीलिए सेम काम वो भी करेगा। अभी देखो ये कलर था ना, इसको एक काम करते हैं, चेंज करके हम इसको येलो कर देते हैं, बहुत गंदा कलर है येलो, नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ। आगे येलो हो गया ना, ये भी बहुत जगह यूज़ होता है, बट द गुड प्रैक्टिस इज एक सेपरेट सा फाइल ही बना दिया जाए। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले ये न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। अब पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स, पहले जैसे बताया था, पोस्ट फिक्स में जो तुम्हारा फाइल का नाम, और प्रीफिक्स में जो फाइल का नाम, और पोस्ट फिक्स में जौन सा फाइल है उसका टैग भी होता है। तो मैं नाम दे रहा हूँ इसको क्या, सी एस एस है ना, तो सी एस एस मीन्स बेसिकली मैं डालता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस, मैं यही नाम से इसको कॉल करता हूँ। सबका अलग अलग तरीका होता है नाम डालने का, हो सकता है कोई मेरे नाम से राहुल डॉट सी एस एस नाम से दे दे, ठीक है, तो कुछ भी नाम रह सकता है यहाँ पे। अब देखो, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो इसको कैसे यूज़ करना है, उसके लिए अलग फंडा है, इसको कैसे यूज़ करते हैं इसके लिए अलग देखते हैं, आगे देखते हैं अभी क्या है। लेकिन तुम लोग को ये तो समझ में आ गया होगा कि एक सेपरेट सा फोल्डर बना, फाइल बनाना इज़ अ गुड प्रैक्टिस फॉर यूजिंग सी एस एस। ठीक है, इसको आगे कैसे बनाते हैं देखो, सी एस एस बना लिया, आगे इसको देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये वाला भी पार्ट हम लोग ने कर लिया, एच वन टैगिंग का कैसे कलर डाला जाता है, ये वाला पार्ट भी हम लोग ने देखा अभी। ठीक है, ठीक है, देखो अब आगे बात आता है किस चीज़ का, क्लास का आता है और आईडीज़ का आता है। ठीक है, क्लासेस और आईडीज़ का बात आता है। तो क्लासेस और आईडीज़ क्या होते हैं, सो बेसिकली क्या होता है ना, किसी भी, अब उस टाइम हमने एक डिव बनाया था ना, हम फिर से एक डिव बनाते हैं, एक डिव टैग बनाते हैं। डिव टैग के अंदर क्या क्या डाल देंगे हम लोग, यहाँ पे एक एच वन टैग डाल देते हैं, एच वन टैग 6 वर्ड्स का। ठीक है, यहाँ पे एक पैराग्राफ बना देते हैं 50 वर्ड्स का। ठीक है, तो बेसिकली देखो यहाँ पे अब ये डिव टैग तो दिख रहा नहीं है, 50, यस अब दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे 50 वर्ड्स का हम लोगों ने क्या डाल दिया, एक पैराग्राफ डाल दिया। ठीक है यार, कौन है ये बार बार क्या कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग ने एक डिव बना लिया, उसके अंदर एक ये हेडर डाल दिया और एक पैराग्राफ डाल दिया। अब हम लोग को अगर दूसरे जगह यूज़ करना है तो हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, दो तरीका से यूज़ कर सकते हैं। एक होता है तुम्हारा, एक होता है तुम्हारा क्या, क्लासेस, और दूसरा क्या होता है तुम्हारा आईडीज। ठीक है, तो बेसिकली क्लासेस जो कि होता है ना, एक पूरा पूरा कंपोनेंट, पूरा कंटेनर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग क्या, क्लासेस पूरे। और जैसे कि बस इसके लिए यूज़ करना है तो हम लोग इसके लिए पर्टिकुलर, इसके लिए यूज़ करना है तो क्या यूज़ करते हैं, आईडीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो डिव है ना, डिव में यहाँ लिख देते हैं क्लास, एक क्लास नाम लिखे। अब क्लास का मैं, क्लास का जो नाम तुम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं प्रिफर करता हूँ मान लो TH डिव नाम से। हाँ, क्लासेस के अंदर डिव बस मत लिखना, क्योंकि क्या होगा ना, वो मैच करेगा बहुत जगह से। ठीक है, तो बेसिकली डिव बस मत यूज़ करके यूज़ करना, बहुत अजीब रहता है। तो कुछ भी नाम यूज़ करो, बट जो प्री डिफाइंड नेम्स है उसको यूज़ मत करना। तो मैंने क्या किया ना, इस पूरे डिव को एक क्लास में दे दिया, TH डिव। ठीक है, तो अब क्या करूँगा ना, यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा डॉट, कॉलिंग मेथड है डॉट TH वॉट, TH डॉट डिव, सेम नेम, जो नेम वहाँ था, ये जो कि नेम था वही नेम यहाँ पे दिया, कर्ली ब्रेसेस एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड मान लो ग्रीन दे दिया मैं,
यहाँ से इसको सेव कर दिया, ठीक है, आके चेक करता हूँ, अरे ये तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? इसीलिए नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने स्टाइल डॉट सी एस एस तो बना लिया, ठीक है, बट इस फाइल को तो बताया नहीं कि मेरे क्या मेरे पास स्टाइल डॉट सी एस एस एक फाइल है जहाँ से तुमको सी एस एस को कॉल करना है, वो तो हमने बताया ही नहीं। तो उसको बताने का तरीका क्या है, लिंक करना होगा, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए हम लोग लिंक टैग का यूज़ करते हैं इसका। और यहाँ रेफरेंस क्या देना है, उस फाइल का नाम क्या है, स्टाइल डॉट वॉट सी एस एस, ठीक है, इसको सेव किया। देखो अब चेक करने का तरीका, यहाँ पे क्लिक करो, देखो क्या यहाँ पे क्या शो कर रहा है, फॉलो लिंक, इस लिंक को फॉलो करने के लिए क्या करना क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस क्लिक, मीन्स कि माउस का जो की है ना फर्स्ट क्लिक, उस पर क्लिक करो तो देखो यहाँ पे आ गया। अब इसको सेव करके चेक करते क्या आया, हाँ आया, देखो आया बैकग्राउंड में, बड़ा गंदा लग रहा है, चेंज कर देते हैं, एक मिनट, मान लो कि ये येलो शेड में चला गया, देखो ये आरबीजी कलर हो गया। तो ये बैकग्राउंड लगाने हम लोग जान गए क्या होता है बैकग्राउंड, ठीक है, ये बैकग्राउंड हम लोग क्या देख लिए यहाँ पे, अभी क्लासेस क्या होते हैं, क्लासेस के बारे में हम लोग ने जाना, अब आईडीज के बारे में भी जान लेते हैं। क्लासेस क्या होता है, पूरा कंटेनर को कंटेनर में स्टाइल लगाने के लिए क्लासेस का यूज़ करते हैं, और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में लगाने के लिए आईडीज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आईडीज लगाते हैं, तो आईडीज में भी सेम तरीका है, नाम दे देना होता है इस चीज़ को, जैसे कि आईडी में है ना, आईडी में नाम देना पड़ेगा। तो टीएच मान लो मैं टीएचएच देता हूँ, टीएचएच नाम से एक आईडी बना दिया, यहाँ पर जाऊँगा और आईडी को कॉल करने का तरीका क्या होता है, हैश लगा के, हैश किया टीएच सेम नेम, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे आया, मान लो कि कलर चेंज करना है, कलर ही चेंज करता हूँ अभी, वही इजी है, ठीक है, कलर चेंज करना है, मान लो कि ये इस कलर का चेंज करना है, सेव किया, उधर जाके चेक किया, देखो कलर चेंज हुआ, ये इस पर्टिकुलर बस इसी को चेंज किया। हाँ अगर देखो अगर उसके जगह क्लास यूज़ करता तो वो कंटेनर फुल्ली कंटेनर के लिए हो जाता, तो वो थोड़ा दिक्कत लगता है थोड़ा। अब जैसे कि होता है ना कि ये इतना बड़ा पैराग्राफ है और तुमको बस इसी में स्टाइल लगाना है, तो उस केस में क्या यूज़ करते हैं, स्पैन्स का यूज़ करते हैं। उस टाइम मैंने बोला था मैं बताऊंगा स्पैन्स क्या होता है, स्पैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब स्पैन के अंदर इसको इस वैल्यू को डाल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब देखो स्पैन के केस में क्या है ना, यहाँ पे भी तुम आईडी लगा के यूज़ कर सकते हो या फिर इन लाइन सी एस एस यूज़ कर सकते हो, स्टाइल देके यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो एक सेकंड, स्टाइल कलर रेड, उधर चेक किया, देखो जो कलर में स्टाइल सी एस एस लगाया था वो देखो चेंज हुआ, रेड कलर का हुआ, हो गया ना। तो स्पेंस बेसिकली क्या करता है ना, वो एलिमेंट को स्टाइल लगाने में काम आ जाता है, या फिर कुछ भी और करना, फंक्शनैलिटी ऐड करना है तो उसमें काम आ जाता है स्पेंस का, ठीक है। तो आई गेस बहुत सारा चीज़ कवर हो गया, देख लेता हूँ, हाँ ठीक है, एक काम करते हैं ना, इस डिव है ना इसमें बॉर्डर लगा के देखते हैं कैसा दिखता है बॉर्डर लगाने के बाद। सो देखो ये डिव का इस ये डिव को सेलेक्टेड किया हो, ये डिव को सेलेक्ट किया हूँ क्यों, क्योंकि इसका क्लास दे दिया हूँ मैं, ठीक है, इस क्लास को यहाँ कॉल कर दिया हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर में बता दिया हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बॉर्डर कलर फिक्स कर देते हैं। तो बॉर्डर कलर का टैग क्या है, बॉर्डर कलर ही है, मान लो कि मैं इसको इंडिगो दे देता हूँ, बॉर्डर कलर क्या है, इंडिगो, ठीक है। अब बॉर्डर का विद कितना है, कुछ तो उसका विद होगा ना, तो बॉर्डर विद का क्या टैग है, बॉर्डर विद ही है, बॉर्डर विद, इसको 2 पिक्सल कर देता हूँ, सेव किया, उधर जाके चेक, अरे कुछ नहीं आया, यहाँ पे भी सेम केस हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो क्योंकि हम लोगों ने बताया ही नहीं इसको कि किस टाइप का हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल हम लोग ने नहीं दिया है, बॉर्डर स्टाइल, अब देखो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन है। अब जैसे कि सॉलिड में चूज करता हूँ, देखो एक बॉर्डर आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं चेंज कर सकता हूँ कैसे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, अब मेरे को जो कि रिकमेंडेशन आए हुए थे, एक लिस्ट खुल गया था ना वहाँ पे,
वो तो गायब हो गया। अब उसको लाने के लिए क्या करना पड़ता है, वहाँ पे कंट्रोल और तुम जब स्पेस बटन दबाओगे ना तो ये जो रिकमेंडेशन है ना वो खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, डॉटेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, उधर जाके चेक कर। देखो ये डॉटेड स्टाइल में आ गया, सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे हम लोग का क्लास का आई गेस ठीक हो गया है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है तो रेज योर हैंड, अदरवाइज राइट इन द चैट बॉक्स। ओके सही जा रहा है, चलो नाइस नाइस। सो आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने कहाँ तक ख़त्म कर दिया? ये आईडीज, तो आईडीज हम लोग ने सीख लिया। आई गेस इसको बैक होना चाहिए, एक सेकेंड। हाँ हम लोगों ने आईडीज सीख लिया, ये आईडीज सीख लिया, ठीक है। ये क्लासेस सीख लिया, क्लासेस मैंने आईडी जैसे बताया मैंने, सिंगल एलिमेंट को यूज़ करने के लिए आईडीज का यूज़ करते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट का यूज़ करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, क्लासेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने बोथ को, दोनों को कंबाइन कर दिया था। देखो इसी टाइप से आईडीज लिखते हैं, ये वाला बता दिया, इस टाइप से क्या लिखते हैं, इस टाइप से क्लासेस को लिखते हैं, इस टाइप से डिफाइन करते हैं, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा चलो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ क्या है। अब देख, जैसे कि देखो ये वेबसाइट बन गया है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ रहा है ना, बार बार जाके वी एस कोड में जाके इसका स्टाइल देखना पड़ रहा है, तो वो उतना कन्वीनियंट नहीं है। तो उस केस में क्या करते हैं ना हम लोग, इंस्पेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। अब इंस्पेक्ट मेथड क्या होता है, कभी कभी देखे होंगे कि तुम्हारा वेबसाइट में इस टाइप से खुल जाता है, इस टाइप से कभी कभी, तो ये इंस्पेक्ट है। ये कैसे खुला, देखो राइट यहाँ पे राइट क्लिक मारा, यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन है, या कंट्रोल शिफ्ट आई दबाओगे या सिर्फ F12 प्रेस करोगे। बहुत सबका फंक्शन F12 से खुलता है, मेरा F12 से यहाँ पे ओपन हो रहा है। मैंने F12 दबा, देखो ये ओपन हो गया ना। यहाँ पे वही कोड है जो तुम लोग कोड किए हो, वही कोड है, सेम कोड यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब जैसे कि देखो मेरे को जो कि है यहीं पे पता करना है कि बैकग्राउंड कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बैकग्राउंड कलर थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो उसको अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे एक सेलेक्ट का ऑप्शन है, ये वाला सेलेक्टर टूल, ये हर एक पार्ट को सेलेक्ट कर रहा है। देखो ये बस H1 को भी सेलेक्ट कर सकता है, ये बस पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर सकता है, या ये पूरे कंटेनर को सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे बस पूरे कंटेनर को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे सेलेक्ट किया देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, एक सेकंड इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ देखो ये बैकग्राउंड का ऑप्शन आया ना यहाँ पे, जो हम लोग ने डाला था बैकग्राउंड, बॉर्डर भी डाला हुआ था, बॉर्डर विद भी डाला हुआ था, बॉर्डर स्टाइल भी डाला हुआ था, ठीक है। अब देखो बैकग्राउंड को हटा के देखते हैं, कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। बॉर्डर कलर हटा के देखते हैं, इस टाइप से दिख रहा है। बॉर्डर विथ को हटा के देख रहे हैं, बॉर्डर विथ कितना था, 2 पिक्सल का था। देखो ये बॉर्डर स्टाइल हटा के देखते हैं, दिख रहा है। अब मान लो कि यहीं पे मेरे को चेक करना है कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा छोटा है बॉर्डर विथ, विथ थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा होना चाहिए, तो क्या करेंगे इस 2 पिक्सल को बढ़ाएंगे, यहीं पर बढ़ा के चेक कर लेंगे। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ पर कर दिए तो वो सेव हो गया, नहीं, तुम यहाँ पर बस चेक कर सकते हो। यहाँ पे तुमको एक कन्वीनियंट वे है चेक करने का। यहाँ पे देखो कितना भी बड़ा कर दो, तुमको एटलीस्ट पता तो चल रहा है ना कि हाँ हम यहाँ पे अगर 10 रखेंगे ना तो मेरे को देखने में बड़ा सही लगेगा। तब क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और इसको यहाँ पे 2 पिक्सल है ना, इसको यहाँ से 10 कर देंगे, ठीक है। देखो अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला ना 10 पिक्सल कर दिया मैं, ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा है, बट जब तुम रिफ्रेश करोगे ना तो फिर से वो अपने जगह पे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे चेंज किया, बट ओरिजिनल कोड में तो चेंज नहीं किया ना। अब देखो मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल कर दिया, ये सेव नहीं था, अभी सेव कर दिया हमने। अच्छा सेव नॉट सेव का कैसे पता चलेगा, जब सेव नहीं रहेगा ना तो यहाँ पे डॉट सिंबल दिखेगा, जब सेव हो जाएगा ना ये क्रॉस बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो अभी मैं एडिट किया, सेव नहीं किया, डॉट सिंबल बन गया ना। अब जब मैं इसको सेव कर दिया, देखो यहाँ पे क्रॉस सिंबल बन गया, ठीक है। देखो मैंने सेव किया, किसको सेव किया था, 10 पिक्सल डाल के सेव किया, देखो सही तरीके से पता चल गया ना कि हाँ, मतलब ये चीज़ तो बहुत इजी हो गया ना हम लोग के लिए कि हम लोग यहीं पे पता कर ले। अब जैसे कि देखो ये येलो कलर का दिख रहा है ना, येलो कलर को, नहीं येलो उतना अच्छा नहीं लग रहा है यार, तो एक काम करते हैं ब्लू ट्राई कर लेते हैं, ब्लू तो और भी बेकार है, एक काम करते हैं और कुछ ट्राई कर लेते हैं,
तो सारा चीज़ जो है ना यहीं पे ट्राई कर सकते हैं, ट्राई यहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग के लिए इजी हो जाता है ट्राई करना। मान लो ये सही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग को कलर का एटलीस्ट पता चल गया, RGB कलर का पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उधर जाके क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे यहीं पे, ये वाला। सेव किया, इधर देखा, हाँ चेंज हो गया, वो कलर तो चेंज हो गया। आप सही समझ में आया? आई गेस ये वाला पार्ट सबको क्लियर होगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए अगर किसी को क्लियर नहीं है तो। ओके, दे डोंट हैव एक्सेस कुछ, ओके ठीक है भैया। ओके, किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है तो रेज। अच्छा, प्रॉब्लम है नो सारे। इफ यू हैव प्रॉब्लम देन रेज योर हैंड। यहाँ पे दिशा घोष का हैंड्स अप है, प्रॉब्लम है, श्रेया शाह को प्रॉब्लम है। एक काम करो, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उस पे टेक्स्ट करो, अभी टेक्स्ट टेक्स्ट कर दो, तुम लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स हैं, वहाँ आंसर मिल जाएगा। ओके, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो। अच्छा, जिनको प्रॉब्लम नहीं है रेज योर हैंड, प्रॉब्लम नहीं है जिनको, रेज योर हैंड। नाइस, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये इंस्पेक्ट वाले में ही दिक्कत हो रहा है आई गेस। किसी को दिक्कत हो रहा है, माइक ऑन करके बोलो। जिसको दिक्कत हो रहा है एक एक करके माइक ऑन करो और बोलो, मैं बताऊंगा। किसी को दिक्कत नहीं हो रहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तब भी एक बार फिर से बताऊंगा। कोई दिक्कत है? सुनाई दे रहा है? यस बोलो अच्छा, वो क्या। बॉर्डर कैसे सिलेक्ट करना था? मैं वो सिलेक्ट करने के पार्ट वो बॉर्डर नहीं चेंज कर पाया, वो एक बार फिर से दिखाना। ओके, मैं दिखा देता हूँ, देख। अच्छा, और किसी को कोई प्रॉब्लम? एक ही बार में सारा कर दूंगा, और कोई? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखो देखो, यहाँ पे ये सेलेक्टर टूल है, दिस वन, यहाँ पे ये सेलेक्टर टूल है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है गाइस इसका चेंज करने का, कोई बात नहीं। यहाँ पे OTH, हाँ आ तो रहा है, ठीक है। देखो ये जो कि इस पूरे सेलेक्टर टूल से क्या कर सकते हैं, एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे H1 को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे पूरा करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है। तो मेरे को ये डॉटेड है ना, इसको यहाँ पे देखो, बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल है ना, यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड कर देते हैं। सॉलिड किया, देखो ये सॉलिड हो गया, यहाँ पे सॉलिड हो गया। लेकिन क्या है ना, ये कोड में तो हम लोग ने चेंजेस नहीं किया, हम लोग यहाँ इंस्पेक्ट करके चेंजेस किया। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, ये फिर से अपने ओरिजिनल कोड पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि वही कोड किया हुआ है। तो उसको चेंज करने के एटलीस्ट हम लोग को वहाँ से पता तो चल गया ना कि सॉलिड सॉलिड देख करने पे कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सॉलिड, सेव किया, उधर जाके देखा, हाँ हो गया। अच्छा ये देखो, ये कॉर्नर उतना अच्छा नहीं लग रहा है ना, एक काम करते हैं ना, इसमें थोड़ा रेडियस दे देते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर क्या, रेडियस 10 पिक्सल इज इनफ। देखो सही लग रहा है? नहीं, उतना अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ इंस्पेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, 10 पिक्सल को बढ़ाएंगे, देख रहे हो बढ़ रहा है सही से, ये अच्छा लग रहा है। 27, 25 आई गेस अच्छा लगेगा, 25 अच्छा लग रहा है, यहाँ पे करके देखें, हाँ सही लग रहा है 25। यहाँ गए 10 पिक्सल को क्या किए, 25 कर दिए, सेव किए, उधर चेक किए, हो गया 25 पिक्सल। आई गेस यहाँ तक ठीक से क्लियर हो गया होगा। तो इतना था लेवल 1 में, CSS का लेवल 1 में।
अब लेवल टू देख लेते हैं क्या है, CSS में लेवल टू क्या है, ठीक है। सो अब इस जगह पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉन्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बॉक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे फॉन्ट क्या क्या होता है, फॉन्ट बोले तो क्या, ये जो कि लिखा हुआ है ना, ये जो कि लिखा हुआ है, ये सब क्या है, एक एक स्पेसिफिक फॉन्ट में लिखा हुआ है। ये सब है टेक्स्ट, लेकिन एक स्पेसिफिक फॉन्ट है सबका, ठीक है। तो इस फॉन्ट को चेंज करना है, मतलब मेरे को जैसे कि इटैलिक था ना, वो एक इटैलिक फॉन्ट में लिखा गया होगा, इटैलिक आई यूज़ करके हम लोग इटैलिक तो कर लिए, बट उसका एक कुछ स्पेसिफिक फॉन्ट होगा पहले से, प्रीबिल्ड फॉन्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग को फॉन्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉन्ट में बेसिकली अभी हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, फॉन्ट का मीन स्टाइल करने के लिए हम लोग यहाँ पे साइजेस यूज़ करेंगे, वेट यूज़ करेंगे, अलाइन करके देख लेंगे कैसा दिखता है। देखो अभी दिखाता हूँ एक चीज़ करके, मान लो कि ये पी है, ठीक है, या हाँ ठीक है, इसमें एक आईडी दे देते हैं हम, या फिर देखो, या फिर होता है ना कि बहुत जगह पी लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे एक और पी बना देते हैं, ठीक है, ये एक और पी है, राइट। तो करना क्या है ना कि मेरे को जितना भी पी है ना, उसका साइज बढ़ा के जो है ना 10 पिक्सल या 40 पिक्सल या 60 पिक्सल का कर देना है, साइज बढ़ा देना है उसमें, या फिर क्या कर सकते हैं, वेट बढ़ा देना है, और उसको या फिर सेंटर में इन द सेंस कि इस टाइप के फॉर्म में आ जाए, ऐसे सेंटर में अपने आप सेंटर में आ जाए। अभी देखो सारा जो कि है वो इससे चिपका हुआ है, साइड से चिपका हुआ है सारा, है ना, देखो इधर सारा साइड से लगा हुआ है, सारा साइड से है, एक साइड इस फॉर्मेट में है सारा, इस वाले फॉर्मेट में है, ठीक है। लेकिन मेरे को उस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ टेक्स्ट अलाइन का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे आईडी एक क्रिएट कर लेते हैं, तो एक आईडी दे देते हैं, या फिर आईडी नहीं देके हमको सारा पी का करना है ना, सिंपल यहाँ पे पी को कॉल करेंगे, पी लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस देंगे, तो ये पी कॉल हो गया, जितना भी पैराग्राफ है सारा एक बार में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या सेट करना है, फॉन्ट का क्या सेट करना है, साइज सेट करना है। मान लो मेरे को फॉन्ट छोटा चाहिए और 2 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, यहाँ चेक करते हैं, देखो कहाँ चला गया पता भी नहीं चल रहा, बताओ 2 पिक्सल है, लेकिन यहाँ पे फॉन्ट है अवेलेबल। अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा रखना चाहिए, अब 2 करेंगे, फिर 10 करेंगे, फिर 15 करेंगे, तो नहीं समझ में आएगा ना। उस टाइम में देखो ये इंस्पेक्ट मेथड काम आता है। अब देखो यहाँ पे गए हम लोग, इसको सेलेक्ट किए, देखो यहाँ 2 पिक्सल लिखा हुआ है ना, इसको बढ़ा के देखते हैं, नहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हाँ इतना ठीक है, इतना ठीक है, आई गेस 20 पिक्सल इज द, ये 20 पिक्सल क्या है, सही है मेरे लिए। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे आएंगे, इसको 2 क्या कर देंगे, 20 करके यहाँ सेव कर देंगे, इधर चेक करेंगे, हाँ ये तो सही हो गया है ना। फॉन्ट, अब ये हो गया फॉन्ट का साइज, क्या हो गया, फॉन्ट का साइज। अब फॉन्ट में हम लोग वेट लगा सकते हैं, फॉन्ट वेट मतलब कि जैसे कि बोल्ड हो गया, इटैलिक, वेट देख लो समझ में आ जाएगा। देखो फॉन्ट क्या, वेट, फॉन्ट वेट कितना डालना है हमको, ज़्यादा डालना है, 700 डाल देते हैं, ठीक है। देखो कितना बोल्डनेस ये बढ़ा रहा है ना, मोटा मोटा एकदम बोल्डनेस ये बढ़ा दे रहा है। अगर मेरे को और बढ़ाना है, नहीं इतना कम है या इतना बहुत ज़्यादा है, इसको सेलेक्ट किया, फॉन्ट वेट है, ठीक है, इसको यहाँ से 900 कर दिया, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, कम कर देते हैं, 200 कर देते हैं, कम हो गया, नहीं 300 कर देते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये चेंजेस हो रहा है, ठीक है। देखो पहले कैसा था और अभी कैसा है, मतलब कुछ तो चेंजेस हुआ ना, तो हमको 300 रखना है, तो यहाँ क्या कर देंगे, इसको 300 रख देंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हाँ अलाइन का बात हुआ था, देखो अभी किस टाइप से अलाइन है, लेफ्ट साइड में सारा अलाइन है, लेफ्ट अलाइन है, सारा लेफ्ट अलाइन है, मेरे को लेफ्ट अलाइन नहीं चाहिए, मेरे को सेंटर में चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन का यूज़ करेंगे, क्या लिखेंगे, सेंटर, सेव करेंगे, देखो क्या हो गया, जितना पी है ना वो सेंटर में अलाइन हो गया, सब सेंटर में अलाइन हो गया, सही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और भी कुछ है, कैसे देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है ना, इसको एक्सप्लोर करना है, और फिर से सेम यहाँ जाएंगे HTML में, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और क्या सर्च करना है हमको, फॉन्ट के बारे में सर्च करना है ना, तो सिंपल यहाँ पे आएंगे HTML फॉन्ट्स CSS,
फॉन्ट्स का CSS करना है। तो W3 स्कूल खोलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के फॉन्ट्स के मिल जाएंगे, ठीक है, टेक्स्ट का, सॉरी टेक्स्ट का बहुत सारा यहाँ पे मिल जाएगा, क्या क्या होता है, कलर कैसे चेंज करते हैं, अलाइनमेंट कैसे करते हैं, डेकोरेट कैसे करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे जैसे कि लोअर केस टू अपर केस कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे कि देखो मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो सारा स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है ना। अब मेरे को अब यहाँ पे अगर कैपिटल लेटर में करना होता तो लोग क्या करते ना, यहाँ पे आते कैप्स लॉक ऑन करते, देखो इसको हटा देता हूँ, ऑन करते उसके बाद फिर सारा कैपिटल लेटर में लिखते, उतना क्यों करना है, सिंपली यहाँ आओ, ठीक है, यहाँ आओ और एक फंक्शन, एक प्री डिफाइंड बिल्ड इन यूज कर लो, क्या टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन टू कैपिटलाइज, सेव किया, उधर जाके चेक किया, देखो क्या किया ना, सबका फर्स्ट वैल्यू को जो है ना कैपिटल कर दिया, कैपिटलाइज यूज करके सबका फर्स्ट वैल्यू को कैपिटल कर दिया। लोअर केस टू अपर केस करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन टू अपर केस, ठीक है, इसको देखो फिर से मैंने यहाँ क्या किया ना, मेरे को बाद में यूज़ करना है इसको, इसीलिए कमेंट करके इसको डाल दिया, सेव किया, उधर जाके चेक कर रहा हूँ, देखो सारा कैपिटल हो गया, सही है। तो हम लोग का यहाँ पे फॉन्ट का भी टॉपिक आई गेस क्लियर हो गया। अब कहीं कहीं होता है ना कि मेरे को ये चूंकि लिखने का तरीका ये पसंद नहीं आ रहा है, तो उस केस में फॉन्ट का हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे आता है गूगल, व्हाट, गूगल का फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स, इसको सर्च करेंगे। अब यहाँ पे तुमको जितना तरीके का फॉन्ट होता है ना वो सारा दिखेगा, जितने तरीके का फॉन्ट होता है, जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं हम लोग फॉन्ट, कुछ मान लो कि इसको यूज़ करता है, इसको यूज़ करना है मेरे को, इस पर क्लिक किया मैंने, ठीक है, मेरे को कौन सा यूज़ करना है, ये वाला अच्छा लग रहा है, रेगुलर 40 इटैलिक या रेगुलर 40, इसको सेलेक्ट स्टाइल किया, ठीक है। अब मेरे को इसको यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करना है देखो ये भी पता है कैसे, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, ठीक है, या इंपोर्ट का ऑप्शन है, तो लिंक पे क्लिक करेंगे या इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे, अपने CSS फाइल में आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो इससे क्या होगा ना, वो चीज़ यहाँ इम्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई गेस मैंने गलत जगह कर दिया है इसको, इसको उधर, ये वाला पार्ट जो कि HTML फाइल में जाएगा, ये यहाँ जाएगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव। अब क्या हो गया ना, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ने क्या किया ना, हम लोग ने पूरा लाइब्रेरी कॉल कर लिया, पूरा नहीं मतलब हम लोग को जो यूज़ करना था ना, ये रेगुलर 40 इसको यूज़ करना था ना, हम लोग ने इसको HTML फाइल में बुला लिया, यहाँ पे बुला लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग जब ये वाला फॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे ना, तो हम लोग अब इसको यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग ने इसको पहले ही मंगवा लिया है। अच्छा देखो, अब ये तो एक लिंक मेथड हो गया, लिंक मेथड हो गया, ठीक है, बट अगर मेरे को लिंक मेथड यूज़ नहीं करना है, तो दूसरा एक और मेथड है इम्पोर्ट मेथड से। ये इम्पोर्ट मेथड कहाँ लिखाता है, ये लिखाता है CSS फाइल में। तो ये जो @import है ना, इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ लिखा, यहाँ गया, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया ना, वो URL, वो जो कि पर्टिकुलर फॉन्ट है ना, वो मेरे पास आ गया। और उसको यूज़ कैसे करना है, देखो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ये यहाँ पे लिख दिया है, इसी को यूज़ करना है। यहाँ आए, इस पर गए, इस पर किए, अभी सेव नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ देख लो पहले कैसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ गया, इसको सेव किया, अब चेक करता हूँ, अभी भी सेम ही दिख रहा है, आई गेस अभी भी सेम ही दिख रहा है क्या। ओके लेट मी थिंक, देखो यहाँ पे इस चीज़ का काम आ गया ना, क्यों ऐसा हुआ ये तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा है क्यों ऐसा हुआ। सॉरी फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, चलिए कनेक्शन मेरा वीक हो गया था, कोई बात नहीं। कहाँ पे था मैं, कोई बताएगा कहाँ से ब्रेक हुआ। कोई भी, कोई नहीं, कोई तो बताओ यार, मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, एटलीस्ट रेज योर हैंड। आ रही है, आ रही है तो यार रिप्लाई तो करो, कहाँ खत्म हुआ। कंटिन्यू राहुल, नो इशू, ज्यादा नहीं हुआ है।
अच्छा फॉन्ट फॉन्ट में ही हुआ है क्या? हाँ फॉन्ट बताए रहे थे। ओके ठीक है, तो देखो इसी टाइप से यूज़ करना है इसको। फॉन्ट फैमिली ये क्यों काम नहीं किया इसको देख लेते हैं। ठीक है इस पर क्लिक किया, इसका CSS देखो यहाँ पे आया ही नहीं, वो क्यों नहीं आया? आई गेस अच्छा कोई बात नहीं, इसको आगे देख लेंगे हम लोग, क्यों नहीं आया अभी पता नहीं चल रहा मेरे को। ठीक है इसको आगे समझ लेंगे क्या है क्या नहीं है, ये सारा इजी टॉपिक है। ठीक है ये तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा, एक बार बस चेक करना कि क्या हो सकता है। ठीक है कुछ कुछ देखो यही तो बात है ना, जब तुम वेब डेवलप करोगे ना तो बहुत सारा टॉपिक ऐसा आएगा ना कि तुमसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है लेकिन सारा रिसोर्सेज तुम्हारे इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जितना रिसोर्सेज है तुम लोग को बस उसको सर्च करने आना चाहिए कि क्या सर्च करे कि मेरा डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाए। ठीक है अभी जैसे कि मेरा देखो फॉन्ट काम नहीं कर रहा, क्यों काम नहीं कर रहा है पता नहीं, यहाँ पे देखो डाउनलोड एंड फॉन्ट चेंज बताया ये मैं कर चुका हूँ, बट अभी क्या हो रहा है ना अभी वो आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है इसको रिजॉल्व करना है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो ना सेम चीज़ को फिर से ट्राई करना, ठीक है ये एकदम आएगा क्यों नहीं आएगा, इसी तरह यूज़ ही किया जाता है इसको। ठीक है तो इसको एक बार देख लेना तुम लोग क्या है क्या नहीं है। सो आई गेस फॉन्ट का भी तरीका हो गया, ये OS से इंपोर्ट करवा लिया था, डाउनलोड फॉन्ट डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल है किया है क्या कि इसको इस फाइल को ही यहाँ से डाउनलोड करना, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है ना, यहाँ डाउनलोड करके उसको फोल्डर में रख लेना, उसका बस यूज़ कर लेना, ये उतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। ठीक है अच्छा अब पार्ट टू आ गए आई गेस हम लोग, तो द बॉक्स मॉडल अलाउज टू प्रूव साइड। ठीक है देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक मिनट में सारा फोल्डर बंद कर लेता हूँ, यहाँ देख रहे हैं ना कि ये सारा जो किया ना इससे एकदम जाके चिपक गया है इस साइड में पूरा। ठीक है यहाँ पे एक मिनट दिक्कत क्या हुआ, अच्छा देखो दिक्कत क्या हुई थी, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया ना CSS को ही अनलिंक कर दिया था, अगर मैं हटा देता यहाँ पे देखो कमेंट किया था मैं, अगर इसको हटा देता ना तो क्या होता, मिनट कंट्रोल Z, बस अभी काम कर जाएगा। देखो काम किया वो वाला फॉन्ट काम किया ना, अब काम किया वो वाला फॉन्ट, क्यों वहाँ क्या दिक्कत हुई थी, ये CSS फाइल को मैंने अनलिंक कर दिया था, इसको कमेंट कर दिया था। देखो कमेंट का यहाँ पे समझ में आया ना कि अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली हटा देता कमेंट नहीं करता तो क्या होता, मेरे को फिर से इतना लिखना पड़ता, लेकिन कमेंट कर दिया हूँ तो मेरे को बस अनकमेंट करना था और उसको मैं यहाँ यूज़ कर पाया। ठीक है ये समझ में आया। ओके तो हम लोग यहाँ पे क्या समझने वाले थे, यहाँ पे हम लोग समझने वाले थे मार्जिन के बारे में, पैडिंग के बारे में और बॉर्डर मार्जिन बॉर्डर के बारे में। देखो ये सबसे अच्छा एग्जांपल मैं तुमको यहाँ से नहीं W3 स्कूल से दिखाऊंगा, तो लिखेंगे यहाँ मार्जिन HTML, वैसे ये CSS है। ठीक है तो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं क्या है, देखो यहाँ पे देखो क्या है, अब मार्जिन किसको कहते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन होगा, बॉक्स बॉक्स मॉडल या दिस इज़ द राइट वन। ठीक है देखो यहाँ पे अब तुम लोग को समझ में आएगा कि मार्जिन किसको कहते हैं और पैडिंग किसको कहते हैं। ठीक है यहाँ देखो मार्जिन 20 पिक्सल दिया हुआ है, आउटवर्ड दिया हुआ है, देखो अभी जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ ठीक है 50 पिक्सल कर रहा हूँ, देखो चेंजेस देखना क्या हुआ, ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया। ठीक है पैडिंग इंटरनल देखना, इंटरनल मींस कि इस बॉर्डर के बाद देखना, ये इसको 100 कर देता हूँ मैं, रन कर रहा हूँ देखो क्या हुआ, अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है तो देखो अब देखो अब समझ में आएगा। देखो इस ये डिव में लिखा हुआ है, इस डिव को मैं सेलेक्ट किया, ठीक है यहाँ देखो मार्जिन है, मार्जिन मैं बढ़ा रहा हूँ, मार्जिन बढ़ा रहा हूँ, क्या हो रहा है ये मार्जिन जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है,
ये देखो ये वाला पार्ट देखो, यहाँ मार्जिन लिखा हुआ है ना, ये क्या हो रहा है ये देखो, ये बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ रहा है मेरा, ठीक है। अब पैडिंग में बढ़ा रहा हूँ, पैडिंग बढ़ा रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना, ये बॉर्डर के बाद वाले एरिया में जो है ना स्पेसिंग ज़्यादा कर दे रहा है। देखो अब मान लो कि मेरे को जो की है पूरा चारों तरफ से स्पेसिंग नहीं चाहिए, मेरे को बस लेफ्ट साइड से चाहिए, तो क्या करूँगा यहाँ लेफ्ट, यहाँ पे पैडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, डैश लेफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, 143 पिक्सल का लेफ्ट साइड में पैडिंग आ गया, सही समझ में आ रहा है, राइट करना है मेरे को, राइट कर दिया, देखो राइट में आ गया। टॉप करना है टॉप कर दूंगा, बॉटम करना बॉटम कर लो, कोई इश्यू नहीं है। मार्जिन भी सेम केस है, मार्जिन लेफ्ट करना है लेफ्ट में मार्जिन लगेगा। देखो जैसे कि देखो यहाँ पे स्पेसिंग देखो कैसा, कितना कम स्पेसिंग है, ये वाला सेलेक्ट करते, ये ऑरेंज वाला पोर्शन देख रहे हो, यही है मेरा ऊपर में जो कि मार्जिन है ना, वही मार्जिन है मेरा, ठीक है। तो मान लो कि मेरे को टॉप में जो की है 67 पिक्सल अभी है मार्जिन, यहाँ देखो यहाँ पे 67 पिक्सल चारों तरफ से है मार्जिन, ठीक है, लेकिन मेरे को क्या करना है, ज़्यादा मार्जिन देना है टॉप से, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, टॉप में क्या कर दूंगा, सॉरी मार्जिन क्या करूँगा, टॉप, मार्जिन टॉप किया। तो अब इसको बढ़ा के देखते हैं, देखो बढ़ रहा है टॉप साइड में, टॉप साइड में मार्जिन बढ़ रहा है, बॉटम कर दूंगा इसको तो बॉटम साइड से मार्जिन बढ़ाएगा, देखो ये पता नहीं चल रहा है क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसीलिए ये पता नहीं चल रहा है, और कोई बात नहीं है। लेफ्ट साइड से करके देख लेते हैं, यस क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखो लेफ्ट में आया, और बढ़ा दो यार, लो और बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसमें कमांड कब आएगा, जब इसको प्रैक्टिस करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हैबिट बनेगा इसको बनाने का, ठीक है। अब देखो बॉर्डर को लिखने का तरीका हम लोगों ने क्या किया, बॉर्डर को अलग अलग टाइप से लिखा था ना, कि वो सॉलिड भी हो, उसका पिक्सल 15 भी हो, कलर ग्रीन भी हो, देखो यहाँ पे एक ही टाइप से लिख दिया है ना, एक ही लाइन में लिखा गया कि सबसे पहले क्या डिफाइन करना होगा, कितना विद होना चाहिए बॉर्डर का, बॉर्डर विद की जगह यहीं पे 15 पिक्सल लिख दिए, किस टाइप का होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, ग्रीन कलर का होना चाहिए। अब देखो इसको मैं एक काम करता हूँ ना, इसको येलो कर देता हूँ, रन किया, येलो कलर का हो गया, ठीक है। 15 पिक्सल नहीं चाहिए मेरे को 25 पिक्सल चाहिए, ठीक है। आई गेस ये वाला पार्ट सबका क्लियर होगा, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है माइक ऑन करो और बोलो। नहीं है हैंड रेज करो, नाइस। एक काम करो ये लाइक का ऑप्शन दबाओ, बहुत देर से हैंड रेज कर रहे थे, थक गए हो, लाइक कर दो। चलो कम से कम रिस्पॉन्स तो आ रहा है, मेरे को लगा था सो गए हो गए सब, सही। चलो ये वाला भी पार्ट अब कंप्लीट हो गया हम लोग का, है ना। हम लोग मार्जिन समझ ली क्या होता है, पैडिंग समझ ली क्या होता है। अच्छा किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके बोल सकते हो। या फिर WhatsApp पे टेक्स्ट कर सकते हो। ओके, लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने मार्जिन पढ़ लिया, पैडिंग पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे, हाँ अब चलो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया फिर से, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या है, फ्लेक्स के बारे में, ठीक है। ओके, फ्लेक्स के बारे में, अब फ्लेक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे फिर से वही
इसमें देखो, यहाँ पे दो अच्छी वेबसाइट है, बहुत सारी है मतलब, मेरे को दो पता है, एक है ये CSS Tricks, ये भी अच्छा बताता है, और एक ये W3 School Universal है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा फ्लेक्स में जो कि दो पार्ट होता है, कौन पहला पार्ट क्या हो गया, पहला पार्ट हो गया तुम्हारा क्या कंटेनर, कंटेनर इन द सेंस क्या कि देखो ये जो कि पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट आई गेस मेरे को इससे बताना चाहिए, हाँ यस दिस वन, देखो फ्लेक्स प्रॉपर्टीज है, ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स का फ्लेक्स क्या करता है ना। हाँ भाई, सॉरी फॉर इंटरप्ट एंड टू चेक योर व्हाट्सएप प्लीज जस्ट अ मिनट, ओके लेट मी, सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस, ओके ओके, सो फ्लेक्स विल बी मींस फ्लेक्स जो कि कल बताया जाएगा, वो अयान बताएगा, जब कल प्रोजेक्ट तुम लोग को बनाने के लिए सिखाया जाएगा ना, तो वो अयान तुम लोग को समझाएगा कि फ्लेक्स में करना क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, ये फ्लेक्स का बात तो फिर अब वो अयान ही बताएगा, ठीक है। तो हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ लिया, HTML का बेसिक्स पढ़ लिया और CSS का बेसिक्स पढ़ लिया, ठीक है। तो अभी किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, अभी HTML CSS हम लोग दोनों का हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, हाँ कंप्लीट इन द सेंस कि बेसिक्स मैंने बता दिया है। अब फर्दर आगे अगर पढ़ना है तुम लोग को तो तुम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स है, देखो यहाँ पे HTML का है ना, ये पूरा HTML ही है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम लोग इसके थ्रू जा सकते हो, इस वेबसाइट के थ्रू जाओ और यहाँ पे समझ सकते हो HTML के बारे में, सेम यहाँ CSS के बारे में बहुत सारा बहुत अच्छा टॉपिक, अच्छा अच्छा ट्यूटोरियल्स है यहाँ पे, बहुत सही ट्यूटोरियल्स है और तुम लोग इसको यूज़ कर सकते हो। ये इसका वेबसाइट का नाम है W3 Schools, ठीक है, और CSS के लिए csstricks.com है, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर भी जाके तुम लोग आराम से पढ़ सकते हो आगे, ठीक है। अच्छा, अभी किसी को अगर आज का जो कि HTML CSS का मेरा सेशन तो ख़त्म हो गया, अभी इसके जस्ट बाद जो कि अभिषेक लेगा वो तुम लोग को जावास्क्रिप्ट पढ़ाएगा, बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अभी अगर किसी को इस दोनों टॉपिक में HTML या CSS में किसी को प्रॉब्लम है तो अभी माइक ऑन करें और हमसे पूछ सकते हैं या फिर बाद में व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करो या हैंड्स ऑन करो, मैं उससे पूछ लूँगा। किसी को प्रॉब्लम है अगर प्रॉब्लम नहीं है तो लाइक का बटन है यहाँ पे दाब दो, प्रेस द लाइक बटन, हिट द लाइक बटन, प्रॉब्लम नहीं है तो नाइस, ओके ओके, देन वी कैन यू कैन ऑल टेक अ रेस्ट फॉर 5 मिनट एंड देन वी गोना स्टार्ट जावास्क्रिप्ट। अभिषेक विल इंट्रोड्यूस यू अबाउट द जावास्क्रिप्ट एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, ओके, सो ओवर टू यू अभिषेक, बट लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स, आई गेस 5 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं, सब थक गए होंगे, पानी वगैरह पी लो, ओके थैंक यू।
Hello guys, am I audible? Hello. Yes भैया. Yes भैया. सब थक गया है क्या? सब थक गया है? नहीं नहीं अभी नहीं. Good. So I hope my screen is visible and visible na? Yes. Yeah. Okay. So, hey everyone, and welcome to the JavaScript part of today's webinar. Now, let me introduce myself first. My name is Abhishek Maiti, and second year student of CSE, and a working committee member of Explorica. Now, let me clear first that I'm a kind of person that who always like to get started by installing things and writing some code. And I love that. I know all of you also love that too, but this time JavaScript especially requires a little bit of theoretical basis so that we can understand what things we are learning, how powerful it is, and they can be applied where. Like, aaj hum sab kuch janenge, theek hai? So first and foremost, we are answering two of basic questions. First one is, what is JavaScript? Second one is, what is different between Java and JavaScript? Okay, काफी सारे beginner का ये भी होता है कि Java and JavaScript में difference क्या है? सब लोग मान के चलता है कि हाँ Java and JavaScript में कुछ तो similarities है, तो वो आज हम जानेंगे, ठीक है? पहला जो हमारा question है, वो है कि what is JavaScript? So, according to MDN, Mozilla Developer Network, MDN क्या कहता है और MDN क्या है मैं बाद में दिखाऊंगा. अभी MDN क्या है? MDN कहता है कि JavaScript is a scripting language that enable you to create dynamically updating content, control multimedia, animate images and pretty much everything. Okay, not everything, but it is amazing to you can achieve with a few lines of JavaScript. ये तो MDN ने बता दिया. अभी हम देखेंगे जो बताया MDN सचमुच क्या क्या है, वो है या नहीं, ठीक है? सो जिन जिन के पास लैपटॉप खुला हुआ है और डेस्कटॉप खुला हुआ है, वो ब्राउज करो किसी भी एक वेबसाइट को. फॉर एग्जांपल मैं इधर सर्च करता हूँ flipkart.com को, ठीक है? खोल लिया अपना flipkart.com. डू रिस्पॉन्स क्विक. ओके, कूल. तो जिन जिन लोगों ने क्रोम खुला हुआ है, ठीक है, आप देखे होगा कि फ्लिपकार्ट में यहाँ पर एक स्लाइड आ रहा है. अगर एक क्लिक करो तो स्लाइड हो जा रहा है, और अपने कैटेगरीज में जाने के बाद किसी भी एक प्रोडक्ट को क्लिक करने में एक अलग सा पेज खोल जाता है और आप बाय नाउ कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर साइज वगैरह मांगता है, तो ये नॉर्मल से फ्लिपकार्ट है. अभी हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अलावा फ्लिपकार्ट कैसा होता है. वो कैसे देखेंगे? गो टू योर क्रोम सेटिंग. ओके, यहाँ पर से क्रोम सेटिंग में जाओ आप लोग, और यहाँ पर सर्च सेटिंग में जावा सर्च करो. ओके, जावा सर्च करने के बाद यहाँ पर साइट सेटिंग दिखा रहा है. साइट सेटिंग में स्क्रोल अप, स्क्रोल डाउन करो, और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट अलाउड है. ओके, डिसेबल है. तो आपने क्या किया, जावास्क्रिप्ट जो है ब्राउजर को, जावास्क्रिप्ट जो है वो इस ब्राउजर के लिए इस मोमेंट में बंद हो चुका है. तो अभी हम लोगों फ्लिपकार्ट में जाएंगे, ठीक है, और रिप्लाई करेंगे. एंड ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, तो अभी क्या हुआ, जैसे ही मैं रिफ्रेश किया फ्लिपकार्ट प्लस, मतलब फ्लिपकार्ट जब रिफ्रेश किया तो यहाँ पर दिखा रहा है समथिंग्स नॉट राइट, प्लीज ट्राई अगेन. तो पूरा का पूरा जो है जावास्क्रिप्ट बंद करने से पूरा बंद हो गया, जो भी कुछ काम चल रहा था वो बंद हो गया है. अभी प्रोडक्ट पे जो खुला हुआ था उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और अपन बाय नाउ करते हैं, तो बटन भी क्लिक नहीं हो रहा है.
समझ पा रहे हो कि जावास्क्रिप्ट जो था वो मैं बंद कर चुका हूँ, उसके बाद मैं पेज का मैं कुछ एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अभी एक अभी लाइक इन 21st century जो भी ब्राउजर अक्रॉस ब्राउजर में जो भी कुछ साइट चल रहा होता है वो पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं यही नहीं कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की पूरा साइट है वो गलत है, मगर जो भी कुछ बेसिक नहीं जो भी कुछ डिटेल फंक्शन है जो भी कुछ फंक्शनलिटीज है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। और एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं नेटफ्लिक्स करके, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स खुला तो यहाँ पर क्या सो रहा है, लुक्स लाइक यू हैव डिसेबल योर जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट के अलावा नेटफ्लिक्स फर्दर प्रोसेस भी नहीं होगा। तो वही मैं कोशिश मतलब बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट कितना पावरफुल है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जब मैं शुरुआत में जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा था और जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ उसके पहले, तो मैं मानता था कि हाँ जावा एंड जावास्क्रिप्ट, मैंने अगर जावा कर रखी है तो जावास्क्रिप्ट कर मतलब कर लूंगा कोई बात नहीं, ऐसा मेरा सोच था। और काफी सारे आप लोगों को भी डाउट होगा कि हाँ मैंने जावा कर रखा है तो जावास्क्रिप्ट भी हो जाएगा, नहीं टोटली रॉन्ग। जावा एंड जावास्क्रिप्ट उतना ही सिमिलर है जितना एक कार एंड कारपेट है। यस देयर इज नो सिमिलरिटीज, कार एंड कारपेट में जैसा कोई संबंध नहीं है ऐसे ही जावा एंड जावास्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, लाइक कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट पढ़ के हम लोग क्या क्या कर सके क्या क्या कर सकते हैं। मैं जब भी नया टेक्नोलॉजीज को पढ़ता हूँ तब मैं जान लेता हूँ हाँ इस टेक्नोलॉजीज के मदद से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, HTML पढ़ के मैं क्या क्या कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट पढ़ के मैं क्या क्या कर सकता हूँ। पहले मैं रिजल्ट जान लेता हूँ, हाँ ये मेरा डिजायर रिजल्ट है, इसको मैं अगर ये पढ़ लेता हूँ तो ये मैं कर पाऊंगा। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से आपका खुद का अमेज़न वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, नेटफ्लिक्स क्रिएट कर सकते हो और ट्विटर भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा बड़े बड़े वेबसाइट आप लोग क्रिएट कर सकते हो। अभी आप तो बेसिक लेवल पे हो, बेसिक जो सिंटैक्स वगैरह आप जान जाओगे जब उसके बाद फ्रेमवर्क आएगा बैकएंड आएगा इवेंचुअली आप कर पाओगे, ठीक है। अभी व्हाट वी लर्न टुडे, आज हम क्या क्या जानेंगे क्या क्या टॉपिक सीखेंगे वो एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो एज लाइक एनी अदर लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, पाइथन, व्हाट एवर इट इज, सब लैंग्वेज का एक बेसिक सिंटैक्स और रूल्स होता है, आज वही पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा कि उस सिंटैक्स और उस मेथड की वजह से हम लोग जावास्क्रिप्ट को काम में लगा सके कि वेबसाइट चल रहा है। तो जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है आज शुरुआत करेंगे और इवेंचुअली आप लोग एक्सप्लोर करते जाओगे, कोई इशू नहीं। तो आज क्या हम सीखेंगे कि वेरिएबल डाटा टाइप, उसके बाद ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट, फंक्शन, एरे ऑब्जेक्ट, लूप्स, जो ये छह टॉपिक है यही हम आज करेंगे। और आई होप आज नहीं हो पाएगा, और एक भी बड़ा सा टॉपिक है वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल जो डॉम है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आज शायद मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, टुमोरो विल बी कवरिंग इवेंचुअली, ओके। सो मैंने बता दिया कि जावा एंड जावास्क्रिप्ट अलग होता है, मगर डिफरेंस क्या है भैया, डिफरेंस कहाँ पर है? आपने तो बता दिया कि कार एंड कारपेट जैसा है, तो मुझे डिफरेंस चाहिए। अब लोगों का डाउट होगा, तो मान लीजिए आपके पास हेलो वर्ल्ड का एक कोड है, सोर्स कोड है, मतलब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का सोर्स कोड है। आप सी में कर चुके हैं कि कैसे प्रिंट करते हैं वो सब कुछ तो आपको पता ही है, तो आपके पास एक हेलो वर्ल्ड का सोर्स कोड है। अभी दो तरह का लैंग्वेज होता है, एक तरह का लैंग्वेज क्या होता है, कॉम्पाइल लैंग्वेज, जो आप लोग करते हो ना C++, सी और जावा में जो करते हो कॉम्पाइल लैंग्वेज है। अभी कॉम्पाइल लैंग्वेज क्या है, आप जब टेक्स्ट एडिटर में सोर्स कोड लिखते हो उसके बाद हो जाता है जब कॉम्पाइलेशन बटन यूज करते हो कॉम्पाइल, अब कोड ब्लॉक्स में जो कॉम्पाइल एंड रन बटन होता है ना, जब ये वो क्लिक करते हो वो
इवेंचुअली एक एक प्रोसेस के अंदर फ्लो होते जा रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस के अंदर गुजरते जा रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस है कि आपका जो सोर्स कोड है, वो सोर्स कोड पहले प्री प्रोसेसर में जाता है। जो टर्म में यूज कर रहा हूँ, एक बात है, जो टर्म में यूज कर रहा हूँ, ऐसे जानने के लिए, नॉलेज के लिए, आप मतलब फिलहाल के लिए जान लो, ठीक है, उतना कुछ लाइक रॉकेट साइंस है नहीं, बस जान लो, ठीक है। तो सोर्स कोड है पहले प्री प्रोसेसर में जाता है, बाद में कंपाइलर के अंदर जाता है, जो सी सी प्लस प्लस जावा ऐसा जो कुछ भी लैंग्वेज है, कंपाइलर के अंदर जाता है। अभी कंपाइलर के अंदर जाके एक डॉट ओबीजे फाइल, डॉट ऑब्जेक्ट फाइल बनता है। डॉट ऑब्जेक्ट फाइल बनने के बाद क्या होता है, डॉट ईएक्सई फाइल बनता है, ठीक है। ये जो स्टेप मैं बता रहा हूँ जस्ट इस वेबिनार के लिए, जब मतलब एक्सेप्ट कर लो। आई नो मतलब तुम काफ़ी सारे बहुत डाउट होंगे कि हाँ क्या होता है और डॉट ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है एंड ऑल, बट जान लो ऐसे प्रोसेस होता है, ठीक है। एक वेबिनार में तो मैं पूरा का पूरा नहीं बता पाऊंगा ना, तो जान लो, ठीक है। तो डॉट ओबीजे फाइल जाने के बाद डॉट ईएक्सई फाइल होता है। भाई डॉट ईएक्सई फाइल क्या होता है, हमारा कंप्यूटर और मोबाइल किसी भी डिवाइस में, ठीक है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैम कहते हैं उसको, जो भी कुछ एप्लीकेशन चल रहा होता है, सब कुछ एप्लीकेशन डॉट ईएक्सई फाइल कॉन्वर्ट, मतलब डॉट एग्जीक्यूट, मतलब वो एग्जीक्यूट होने के लिए डॉट ईएक्सई में कॉन्वर्ट होना पड़ता है, तभी जाके रैम उसको एक्सेस करना करेगा और उसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हम लोगों को दिखाएगा। अभी डॉट ईएक्सई फाइल रैम के अंदर गया, रैम के अंदर जाने के बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लिया, क्योंकि मेरा सोर्स कोड था हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, दैट व्हाट इज कंपाइल लैंग्वेज। और एक लैंग्वेज है, और एक तरह का लैंग्वेज है, वो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है, जैसे पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, और आपका पीएचपी हो गया, जो इस तरह का लैंग्वेज होता है ना, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अभी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है, ये रेडी टू रन है। रेडी टू रन मीन्स सी और सी प्लस प्लस जावा में क्या होता है कि आपका जो पूरा का पूरा कोड पहले कंपाइल होता है, उसके बाद उसका डॉट ईएक्सई फाइल बनता है, और वो हमारा जो एग्जीक्यूटेबल जो हमारा आउटपुट है वो हम लोगों को दिखाएगा, ठीक है। मगर जावास्क्रिप्ट, पाइथन, पीएचपी इन जैसा लैंग्वेज में क्या होता है, रेडी टू रन मीन्स हर एक लाइन को इंटरप्रेट करता है। लाइक आपने पहला लाइन में हेलो वर्ल्ड का प्रिंट फंक्शन लिखा है, ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो वो एग्जीक्यूट कर देता है, वो रन कर देता है, वो रेडी टू रन है। आई होप दिस इज क्लियर, ज़्यादा टाइम वॉज नहीं करेंगे इसमें। तो ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। अभी तो मैंने बताया था इंटरप्रेटेड, तो इंटरप्रेटर क्या होता है, तो मान लीजिए आपका पाइथन का एक प्रोग्राम है, तो पाइथन का प्रोग्राम मतलब जिन लोगों करे होंगे, तो पाइथन का प्रोग्राम में क्या होता है कि आप अगर कंसोल के मदद से आप लोग अगर पाइथन प्रोग्रामिंग में सॉरी पाइथन फाइल को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो दो लाइन लिखना पड़ता है। एक तो हो गया आपका पाइथन, यह है इंटरप्रेटर, ठीक है, और स्पेस देकर ये फाइल लें। तो पाइथन क्या है, पाइथन है इंटरप्रेटर, ये इंटरप्रेट करता है आपका सैम्पल डॉट पाई। सैम्पल डॉट पाई मीन्स एक पाइथन आपका फाइल, पाइथन का फाइल वो इंटरप्रेट कर देता है, कौन, पाइथन इंटरप्रेटर, क्लियर। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे, तो एज सच जावास्क्रिप्ट का कुछ इंटरप्रेटर ऐसा है नहीं, मतलब जावास्क्रिप्ट का नाम से कुछ इंटरप्रेटर है नहीं। मतलब जैसे पाइथन का इंटरप्रेटर पाइथन है, पाइथन नाम से जाना जाता है, तो जावास्क्रिप्ट का एज सच कुछ इंटरप्रेटर है नहीं जावास्क्रिप्ट का नाम से। तो हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे इसको, दो मेथड है। एक मेथड है कि जो आपका ब्राउजर है, क्रोम, सफारी और मोज़िला फायरफॉक्स और भी जो कुछ ब्राउजर है, तो आप ब्राउजर के मदद से उस फाइल को इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। पहले से ही ब्राउजर में एक इंटरप्रेटर होता है, तो वो इंटरप्रेट कर देता है जावास्क्रिप्ट को, क्लियर। और एक तरह का मेथड होता है, वो है बैकएंड फ्रेमवर्क को हम लोग एज इन
इंटरप्रेटर काम में लगा सकते हैं. तो बैकएंड फ्रेमवर्क क्या है? बैकएंड मींस लाइक जो मेरा पेज खुला है, ये भी एक वेबसाइट पे रन हुआ है, तो जो मेरा ये है फ्रंट एंड है, तो पूरा का पूरा एक वेबसाइट के रन होने के लिए, जैसे अमेज़न लाइक वेबसाइट हो गया, नेटफ्लिक्स लाइक वेबसाइट हो गया, तो राहुल ने बताया होगा कि दो तरह से होता है, एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है. तो बैक एंड में कुछ टेक्नोलॉजी यूज होता है, ठीक है, HTML, CSS, JavaScript के तरह कुछ एक टेक्नोलॉजी यूज होता है, जो कि है लाइक Node.js, Deno जैसा कुछ टेक्नोलॉजीज. तो हम इन लोगों को एज एन इंटरप्रेटर JavaScript को इंटरप्रेट कर सकते हैं. क्लियर? पहले ये बताओ, कोई भी एक वॉइस ऑन करके बताओ, अगर किसी मतलब किसी स्टेप में डाउट हो तो मुझे बताओ, हम लोग अब कोड करेंगे. इनफ थ्योरी, जल्दी जल्दी. हेलो गाइस, क्लियर ना? ओके, अभी हम लोग कोड करते हैं, ठीक है. तो अपना VS कोड में जाते हैं. Maybe some issue with my VS code, just a minute. Okay. तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि JavaScript को ब्राउजर में, जैसे बताया पहला मेथड, उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे कि JavaScript को इंटरप्रेट करेंगे. तो ये करने के लिए पहले तो ये बेसिक सा फाइल है index.html, जो राहुल ने कवर कर चुका है कि HTML का एक फाइल होता है अलग से, और JS का जो एक्सटेंशन है .js होता है, JS का JavaScript का एक्सटेंशन .js. तो मैंने इस फाइल को नाम दे दिया script.js, ठीक है. अभी index.html जो है, इसको लाइव सर्वर में रन करके देखते हैं कि होता है या नहीं. ओके कूल, हो गया. सो index.html है. अभी script.js स्टैंड अलोन ब्राउजर पे नहीं शो होगा, लाइक ब्राउजर पे रन नहीं होगा, ये गलत है, मगर script.js जो फाइल है ब्राउजर में स्टैंड अलोन मतलब रन, हाँ ठीक है, रन नहीं हो पाएगा. उसको मदद लेना पड़ेगा index.html को. अभी index.html में script.js अटैच करना होगा. तो अटैच करने के लिए मुझे बताना होगा, भाई index.html तेरे साथ script.js भी रहेगा, तो ये बताने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे, script. तो स्क्रिप्ट टैग क्या करता है? स्क्रिप्ट टैग बाहर से कुछ अगर फाइल ऐड करना हो, वो ऐड कर देता है HTML में, इतना ही. अभी इसका सोर्स हम लोग ले देते हैं, जो कि हमारा सोर्स है script.js, script.js, हो गया. अभी ये क्या हो गया, script.js है वो HTML में अटैच हो गया. ओके, अभी स्किप डॉट प्रोग्रामिंग वाल में, अब अगर सी और सी प्लस प्लस में कर चुका है कि पहला जो प्रोग्रामिंग वाल में जो फाइल जो कोड रन होता है वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होता है, तो हम भी जावास्क्रिप्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम ही रन करेंगे, कोड रन करेंगे. तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में प्रिंट फंक्शन है console.log. console.log. तो कुछ नहीं है, ये प्रिंट फंक्शन है, जैसे सी और जावा में होता है, ये प्रिंट फंक्शन है. अभी अंदर हम लोग स्ट्रिंग डाल देते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड. अभी मैं सेव कर रहा हूँ, सर्वर भी रन है, मगर कहाँ पर दिखाएगा? ओके, अलाउ कर देते जावास्क्रिप्ट. तो कहाँ पर रन होगा, कहाँ पर रन हो रहा है, तो ये देखने के लिए इंस्पेक्ट करो पेज को, जो राहुल ने बता दिया
इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाओ, ठीक है। देखो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है गाइस। कुछ डाउट है जल्दी बताओ, टाइम कम है। क्लियर? ओके कूल। सो अभी हम लोग टॉपिक वाइज जाएंगे, जो 6 टॉपिक हम लोग डिसाइड किया है पढ़ने के लिए आज, वो 6 टॉपिक हम लोग कवर करते हैं इवेंचुअली। पहला है वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स। तो वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स क्या है कि जैसे सी और सी प्लस प्लस में होता है कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कुछ भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना हो, अगर वो इंटीजर है, ठीक है, तो आप लोगों को क्या डिक्लेयर करना होता है, इंट वेरिएबल का नेम, वैल्यू दे दिया मैंने, वैल्यू इक्वल्स टू उसका जो डाटा है। अभी जावास्क्रिप्ट में ऐसा सच कुछ है नहीं कि आपको इंटीजर बताना पड़ता है और स्ट्रिंग बताना पड़ता है और बुलियन बताना पड़ता है, ऐसा कुछ है नहीं। जावास्क्रिप्ट में 3 कीवर्ड है, कीवर्ड है, माइंड इट, कीवर्ड। एक है var, एक है let, एक है const। बस इस 3 कीवर्ड के मदद से हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। अभी var, let, const क्या है इवेंचुअली हम देखेंगे। तो var, let, const ये तीनों का आइडिया ऐसा है कि पहले आपको सिंटेक्स बता देता हूँ कैसे वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। सो var है आपका नेमिंग दे दिया, वैल्यू और आपका डाटा दे दिया, मैं 4 दूंगा, ठीक है। अभी ये क्या है, var और let const जावास्क्रिप्ट में क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको एज सच कुछ नहीं बोलना पड़ता है कि ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है और ये बुलियन है। तो आप लोग क्या करोगे कि हाँ, भार क्या करता है मेमोरी ब्लॉक्स में, ओके, मेमोरी ब्लॉक्स में वैल्यू नेम से एक मेमोरी रिजर्व करके रख देता है कि हाँ, भार क्या करता है कि वैल्यू का नेम से एक मेमोरी रिजर्व कर देता है कि उसके अंदर जो भी कुछ डाटा जाएगा, वट एवर इट इज, स्ट्रिंग हो गया और कुछ भी, क्या कहते हैं उसको, इंटीजर हो गया, तो जस्ट ए मिनट, ओके, तो क्या कहता है कि वो अपने से जान जाता है कि ऐसा थोड़ा है कि वैल्यू जो है, अभी तक जो मैंने var वैल्यू करके लिख दिया, तो मैंने ये नहीं बताया कि वैल्यू का डाटा टाइप क्या है, जस्ट मेमोरी रिजर्व किया हूँ कि वैल्यू का नेम से एक मेमोरी रिजर्व है। अभी जब मैं इक्वल करके 4 देता हूँ ना, तब वैल्यू के अंदर क्या आ गया, नंबर टाइप से एक डाटा आ गया। अगर मैं var वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो गया कि वैल्यू कंटेनर में जो डाटा गया है वो बुलियन है। अगर मैं इसका टाइप ऑफ करके, मैं टाइप ऑफ मीन्स एक सेकेंड टाइप ऑफ वैल्यू, तो ये क्या करता है कि आपका जो वैल्यू है उसका डाटा टाइप क्या है वो रिटर्न कर देता है, वो किस टाइप का वैल्यू है वो रिटर्न कर देता है। देख लेते हैं एक बार क्या है ये, देखिए बुलियन, समझ पा रहे हो, बुलियन। अभी अगर मैं नहीं देता तो क्या रिटर्न करता, देख लेते हैं, अगर मैं ट्रू नहीं डालता तो क्या रिटर्न करता है, अनडिफाइंड। मीन्स अनडिफाइंड मीन्स कुछ भी डिफाइंड नहीं हुआ है अभी तक, बस वैल्यू नेम से एक मेमोरी रिजर्व हुआ है मेमोरी ब्लॉक में, जो कि मैं अभी अगर ट्रू में देता हूं तब जाके वैल्यू का डाटा टाइप क्या हो गया, बुलियन हो गया। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज प्रीटी बेसिक। अभी
हम लोग क्या कहते हैं कि लेट और कॉन्स्ट का बेसिक जो होता है वो देख लेते हैं. अभी वेर वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू हो के अभी लेट देख लेते हैं. लेट क्या है? अच्छा लेट इवेंचुअली हम अब लोगों को बता दूंगा. तो अभी अभी के लिए फिलहाल के लिए कॉन्स्ट बता देते हैं. कॉन्स्ट और भार में डिफरेंसेस क्या है? तो कॉन्स्ट भी कीवर्ड है कि आपका वेरिएबल डिक्लेयर करने का. तो कॉन्स्ट वैल्यू आप दे दिया एक ही तरह से, कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू 5 अभी लॉक कर लिया आप लोगों ने वैल्यू, नो इशू. तो 5 ही देगा ऑब्वियसली. अभी क्या करते हैं, इसका वैल्यू चेंज करके देखते हैं. वैल्यू इक्वल्स टू 6 करते हैं, क्योंकि वार में तो हो रहा था. वार में पहले क्या कर दिया था कि वैल्यू इक्वल्स टू 4 कर दिया, उसके बाद वैल्यू इक्वल्स टू ट्रू कर दिया. तो वार में तो हो रहा था, तो कॉन्स्ट में सेम चीज हो रही है या नहीं वो देख लेते हैं. तो कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल्स टू 6 एरर है. क्यों एरर है? सिंटैक्स है. आइडेंटिफायर वैल्यू हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर. कॉन्स्ट का ऐसा है कि कॉन्स्ट का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप एक बार उस कीवर्ड से किसी डाटा टाइप को डिफाइन कर चुके हैं, तो ना ही तो उसका वैल्यू आप इनिशियलाइज कर पाओगे दूसरी बार, और सेकंड पॉइंट इज आप फिर से उस नेम से कॉन्स्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते. कॉन्स्ट क्यों? उस नेम से आप कुछ भी वार लेट कुछ भी नहीं ले सकते. क्लियर? Am I clear, guys? Hand raise. Clear. अगर क्लियर हो चुका है तो हैंड रेस करो, समय नहीं है, जल्दी. Only few. Okay, cool. Okay. तो जावास्क्रिप्ट का वैल्यू वार एंड कॉन्स्ट जान लिया. अभी हम लोग ऑपरेटर में जाते हैं, ठीक है. सो इसको ओमिट कर देते हैं. अभी ऑपरेटर में जो भी कुछ बेसिक ऑपरेटर है, मल्टीप्लीकेशन, समेशन, ग्रेटर देन लेस देन, जो भी कुछ है इसमें भी सेम टू सेम ही है. बस क्विक रिकैप कर लेते हैं. मान लीजिए आपका साम निकलना है, तो मैं थोड़ा अजीब सुना रहा है. वार जो है वो ज़्यादातर डेवलपर लोग नहीं यूज करते हैं ड्यू टू मेसीनेस. वो सभी लोग अवॉइड करते हैं, तो हम लोग लेट यूज करेंगे. तो लेट करके वैल्यू दे दिया, वैल्यू डिक्लेयर कर लिया. लेट वैल्यू इक्वल्स टू लेट से कुछ भी डाल दे 5. अभी लेट वैल्यू 2 इक्वल्स टू 10. ओके, वैल्यू 2 इक्वल्स टू 10. अभी लॉक कर देते हैं इसका वैल्यू प्लस वैल्यू 2. ओके 15, ठीक है 15 हो गया. और मल्टीप्लीकेशन भी देख लेते हैं इसी का. लॉग सेम रहेगा, खाली वैल्यू एस्ट्रिक्स वैल्यू 2 50. क्लियर? ग्रेटर देन लेस देन भी देख लेते हैं. एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट रिजल्ट करके. रिजल्ट इक्वल्स टू वैल्यू ग्रेटर देन वैल्यू 2. अभी इसको लॉक करते हैं रिजल्ट को, ठीक है. रिजल्ट सॉरी टाइपो रिजल्ट. अभी मैं इसको रन नहीं करूँगा, आप लोग बताओगे तो इसका लॉक एक क्या प्रिंट करेगा. एनी ऑफ यू अबे सब क्या सो गया है क्या? हेलो, am I audible guys?
समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही भगते जा रहा हूँ? तो क्या पिन करेगा? क्या पिन करेगा बोलो पहले? अगर सेशन को इंटरेक्टिव रखना है तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो यही पर खत्म कर देते हैं। चलो जल्दी अभिषेक। हाँ कोड एडिटर एक तो कौन सा स्टेट इंक्रीज कर वैल्यू 2 प्रिंट करेगा। ओके ओके ज्यादा हो गया। ओके दिस इज फाइन राइट? ओके तो आंसर आ चुका है तो बोल दो फिर भी क्या आएगा। फॉल्स। क्यों आया मालूम है? क्योंकि या हु इज इट? ओके छोड़ो नाम मत बोलियो। तो बुलियन क्यों प्रिंट करेगा? कि श्रेया। ओके श्रेया गुड। तो अभी क्या है कि रिजल्ट जो है वो क्या दिख रहा है? इज वैल्यू ग्रेटर देन वैल्यू 2 इज इट और नॉट? तो ग्रेटर देन क्या डिफाइन करता है? ग्रेटर देन लेस देन ट्रू और फॉल्स ये डिटरमाइन कर लिया कि अगर वैल्यू इज ग्रेटर देन वैल्यू 2 तो ये क्या होता है? ये नहीं है, ये फॉल्स है। तो रिजल्ट क्या किया? फॉल्स स्टोर कर लिया। अगर मैं यही पे लेस देन डाल दूं तो ट्रू प्रिंट करता है करेगा, ठीक है ट्रू। तो यही है, बेसिक सा कुछ है नहीं, वही है। अभी समेशन तो आ गया तो सबट्रैक्शन भी मतलब कर ही पाओगे, ऐसा कुछ बिग डील है नहीं। तो अभी प्रिंट का 3 मेथड देख लेते हैं, कैसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इनका 3 मेथड हम लोग आज सीखेंगे। पहला हो गया तो आपको बताएगा कि आपका फर्स्ट नेम करके एक क्या कहते हैं उसको, एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, लास्ट नेम करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करो और आपको प्रिंट करना है माई नेम इज वट एवर इट इज, आपको प्रिंट करना है। अभी क्या करेंगे हम लोग कि मैं दिखा देता हूँ, देख लो। लेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू, मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, इन माइंड केस माई नेम इज अभिषेक एंड लेट लास्ट नेम इक्वल्स टू माइती। ओके तो क्या प्रिंट करना है? माई नेम इज अभिषेक माइती। तो लॉग ले लेते हैं, लाइक कंसोल डॉट लॉग ले लेते हैं। अभी माई नेम इज जो है ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए डबल कोट्स यूज करो अपना। तो ये लिख लेते हैं कि माई नेम इज स्पेस देते हैं और कॉमा देकर, सॉरी गाइस, कॉमा देकर आपका फर्स्ट टाइप है यार फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, लास्ट नेम देखते हैं क्या प्रिंट करते हैं। टाइप है क्या? ओ इसको कोट करने भूल गए, ठीक है एक मिनट गाइस। ओके सो क्या किया मैंने, लॉक माई नेम इज एक स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया, उसके बाद फर्स्ट नेम प्रिंट किया कॉमा देकर, उसके बाद लास्ट नेम प्रिंट किया, ठीक है माई नेम इज अभिषेक माइती। अभी एक मेथड हो गया, और एक मेथड है उसको कहता है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेट कर देता है, बाकी सब कुछ स्ट्रिंग है, ठीक है। कॉन्केटिनेशन क्या होता है कि लॉक वही दे दिया माई नेम इज अभी प्लस देकर फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट क्या हुआ, लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड एलएसटी। ओके ओके लास्ट नेम है, लास्ट नेम या गॉट इट। तो ये क्या है, टाइपो है। काफी बार क्या होता है, एरर को पढ़ने से आपको पता चल जाता है कहाँ पर एरर है।
क्योंकि इसमें लिखा है लास्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, तो मैं पहले क्या किया था, लास्ट टेम कर दिया था, ठीक है, इसलिए दिक्कत हो रही है. ठीक है, नो इशू. तो अभी प्रिंट करके देखते हैं कि माय नेम इज अभिषेक मैथी. अभिषेक मैथी क्या हो गया, एक साथ हो गया, नो स्पेस. बीच में पहले क्या हुआ था कि बीच में प्रेस स्पेस जो है वो अपने आप आ रहा था. बाकी जो एक स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन है तो कॉन्केटिनेट कर देता है, एक के बाद एक कॉन्केटिनेट कर देता है. तो इसके बाद तो मैं स्पेस ले लिया, मगर इन दोनों के बीच में मुझे प्लेस, सॉरी प्लेस नहीं, स्पेस लेना पड़ता है. स्पेस ले लिया. देखो ये मेथड टू हो गया. अभी और एक मेथड जानेंगे, उसको कहता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन. अभी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इस नाम में मत जाओ, बहुत बेसिक था है. अभी लॉक बैकटिस यूज करो. बैकटिस कहाँ पर मिलेगा, आपका कीबोर्ड का एस्केप बटन का ठीक नीचे. देखो एक जो ये साइन है बैकटिस करके, इसको बैकटिस कहता है, ये यूज करो. तो बैकटिस ओपन कर लिया आपने, जो भी कुछ लिखना है लिख दो आपका, माय नेम स्पेस करके माय नेम इज स्पेस दे दिया. अभी डॉलर साइन यूज करो, डॉलर एंड पेयर ऑफ काली ब्रैकेट, एंड आपका जो वेरिएबल है जिसमें आपका फर्स्ट नेम है वो डाल दो, फर्स्ट नेम FIRST NAME फर्स्ट नेम हो गया. उसके बाद स्पेस दो अपना, उसके बाद फिर से आपका लास्ट नेम जाएगा, लास्ट नेम. ओके कुल देख लेते हैं. ओके आ गया. तो इसमें थोड़ा क्या है, थोड़ा एडवांटेजेस है. पहले में क्या होता था कि हाँ मतलब आपके ऊपर है, मगर मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करता हूँ, और डेवलपमेंट में जो भी कोच काम करता है तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में ही काम करता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों ख़राब है, मगर थोड़ा मतलब कॉस्टली हो जाता है कि बार बार प्लस देकर तो मैं यही यूज करता हूँ. तो मैं प्रेफर करूँगा आप लोग भी यही यूज करना, जब भी स्ट्रिंग प्रिंट करना है, और स्पेशली इतना लेंदी स्ट्रिंग प्रिंट करना है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक सब, क्या कहते हैं इसको, लॉक फंक्शन हो गया. अभी हम लोग कंडीशन में जाएंगे. तो कंडीशनल स्टेटमेंट में दो ही है, एक है आपका इफ और ए है एल्स. ठीक है, अभी इफ और एल्स क्या कहता है कि इफ और एल्स, आई होप आप सभी का क्लियर है, तभी एक बार मतलब रिकैप कर लेते हैं कि मान लीजिए आपका एज है. ठीक है, आपका आपको मैं बोला कि हाँ भाई एक एज ले ले आपका अपना, और उसमें क्या है, स्ट्रिंग नहीं, उसमें अपना एज डाल दें 15. अभी प्रोग्राम क्या करना है, प्रोग्राम करना है कि एक मिनट, इन सभी को अननेसेसरीली. ओके, तो अभी क्या करना है कि आपका जो एज है, एक प्रोग्राम लिखना है आपको कि अगर आपका एज 18 से ऊपर है, आप एडल्ट है, तो प्रिंट करना है यू आर एडल्ट. अगर लेस देन 18 है तो प्रिंट करना है यू आर नॉट एडल्ट समथिंग, व्हाट एवर इट इज. तो ऐसा कुछ प्रिंट करना है. तो जो कंडीशन आ रहे हैं, अगर आपका एज 15 से ऊपर है, सॉरी 18 से ऊपर है, तो प्रिंट करो आप क्या, यू आर एडल्ट. जो कंडीशन आ रहे हैं ना, तो हम लोग इफ एंड एल्स यूज कर सकते हैं. तो इफ एंड एल्स, तो कंडीशन मांग रहे हैं इधर, तो कंडीशन क्या देंगे कि एज, इफ एज ग्रेटर देन, सॉरी इफ, हाँ यस, इफ एज ग्रेटर देन 18, देन लॉक कर लो अपना कि यू आर एडल्ट. ओके, अभी एल्स में क्या प्रिंट करना है कि अदरवाइज जो भी कुछ बचे हुआ है, कि अगर किसी का एज 18 से नीचे है तो पिन करना है, लिख लेते हैं यू आर नूब. ओके, यू आर नूब, तो पिन कर लेते हैं यू आर नूब. तो यही है, और कुछ ऐसा खास है नहीं. तो इफ एल्स भी आई होप सबका क्लियर हो चुका है. ठीक है, बेकार फालतू का इधर ज़्यादा बोलने से लेंदी नहीं बनाने का. तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, फंक्शन.
और एक लाइक वार्निंग है कि मेरे हिंदी में मत जाओ, ठीक है? मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी सीखने का और बोलने का, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो. एंड फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है? अभी फंक्शन जो है प्रीटी मच नॉट प्रीटी मच लाइक हर एक फंक्शन का लाइक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन डिक्लेयर करने का अपना मेथड है, मगर कुछ हद तक सी और सी प्लस प्लस वालों का जो फंक्शन का जो ये है सिंटेक्स है कुछ हद तक सेम है, ठीक है? तो सी प्लस प्लस में क्या करते हैं और सी में क्या करते हैं कि आपको बताना पड़ता है कि ए फंक्शन का टाइप क्या है, इंटीजर टाइप, ठीक है? तो इंटीजर टाइप लिख लिया आपने और उसके बाद नेमिंग करना पड़ता है, लेट्स से हेलो, ओके, उसके बाद पेयर ऑफ पैरेंथेसिस एंड योर कोड योर ब्लॉक्स एंड या सो ये क्या होता है कि जावा एंड सी प्लस प्लस जो जो भी कुछ है, तो जावा नहीं सॉरी जावा इज डिफरेंट, सी एंड सी प्लस प्लस में ऐसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं. अभी जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि आपका लाइक आपको फंक्शन बताना पड़ता है, ठीक है? फंक्शन लिख लिया आपने, उसके बाद से हेलो लाइक उसका नेम कर दिया आपने, पेयर ऑफ पैरेंथेसिस एंड ओपन योर ब्लॉक. तो इस अभी देख लेते हैं कि फंक्शन काम कर रहा है या नहीं. इसमें से हेलो लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हेलो वर्ल्ड अच्छा हेलो ही प्रिंट करते हैं, काम कर रहा है या नहीं, ठीक है? देखो लाइक फंक्शन तो लाइक इसमें तो ऐसा कुछ एरर नहीं दिखा रहा है, फंक्शन तो ठीक से चल रहा है, मगर प्रिंट की प्रिंट जो है प्रिंट का जो स्टेटमेंट है वो भी मौजूद है, मगर इसमें क्या है नहीं दिखा रहा है. क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि जो प्रिंट का स्टेटमेंट है ना वो मैंने फंक्शन का अंदर लिखा हुआ है. अभी जब तक मैं फंक्शन को वो काम करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, कॉल नहीं कर रहा हूँ, वो काम नहीं करेगा, ठीक है? वो तो रन हो मतलब हो सकता है, मगर वो लाइक उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो कॉल कैसे करना है कि से हेलो एंड यूज पेरेंट ऑफ पैरेंथेसिस बस, दैट इज लाइक एक क्या कर दिया आपने कि कॉल कर लिया आपने. अब देख सकते हैं कि ये आप हेलो पिन कर दिया, ठीक है? अभी 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 एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन में वैल्यू एक पास करते हैं, जैसे सी और सी प्लस में करते हैं ना कि एक वैल्यू पास करके उसको थोड़ा कुछ काम में लगाया, कुछ ऑपरेशन वगैरह किया है. तो ऐसे ही करते हैं कि मान लीजिए एक वैल्यू है उसको प्लस वन करके इंक्रीमेंट करते हैं और उसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है? तो एक फंक्शन बन रहे थे इन फंक्शन आई एन सी आर करके, और वैल्यू अब कैच करना पड़ेगा ना कि बाहर से मैं वैल्यू दूंगा, तो बाहर से वैल्यू लाइक फंक्शन जो है ओके 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 जस्ट मिनट ओके. सो मैंने क्या किया कि एक फंक्शन में वैल्यू डालूंगा, ठीक है? तो वैल्यू डालने के लिए एक पैरामीटर होना जरूरी है जो आपका वैल्यू कैच करेगा. पैरा करके मैंने एक ले लिया पैरामीटर. अभी मैंने क्या बताया, प्रिंट करना है कि पैरा प्लस वन, उसको प्लस वन करके प्रिंट करना है. अभी इसको कॉल करते हैं आई एन सी आर डॉट सॉरी डॉट नहीं आई एन सी आर फाइव, ठीक है? देखते हैं क्या प्रिंट करता है. सिक्स प्रिंट कर दिया, ठीक है? ये क्या किया, मैंने फंक्शन कॉल किया है. आई होप यहाँ पर थोड़ा दिक्कतें आ रहे हैं कि क्या किया. ओके देख लो कि मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास किया है पैरा का नाम से. आप कुछ भी डाल दो इधर, वैल्यू का वैल्यू भी कर सकते हो वैल्यू, और लॉक के अंदर वैल्यू प्लस वन वी ए एल यू वैल्यू प्लस वन. तो
तो क्या किया आपने कि एक पैरामीटर पास किया है अपना फंक्शन में, जो पैरामीटर को प्लस वन करके आपका प्रिंट कर दिया रहा है, ठीक है। तो फंक्शन कॉल किया और अपने अपना वैल्यू डाल दिया तो प्रिंट हो गया, क्लियर है ना गाइस? लाइक मुझे लगता है कि लाइक आप सब लोग बोलो क्लियर है या नहीं इस पोर्शन में। क्लियर है भैया। मेरे को एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो बोलो। वो वैल्यू वाला जो वेरिएबल आपने फंक्शन में डाला वो क्या पहले आपने डिक्लेयर किया था? हाँ ओके ओके, मैंने ये मिस्टेक मतलब ओमिट कर चुक मतलब एक क्या स्किप कर दिया बोलने से। तो क्या होता है कि जो सी और सी प्लस प्लस में आप लोग क्या करते हो, अगर यही जो फंक्शन है अगर सी प्लस प्लस सी में कर आप लोग करोगे तो आप लोग ये करते कि int INCR और आपको लिखना पड़ता है int वैल्यू करके, ठीक है। आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि हाँ जो पैरामीटर है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप और क्या टाइप। तो इसमें क्या है, जावास्क्रिप्ट में एज सच कुछ डिक्लेयर करने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है, कुछ है नहीं कि आप इंटीजर लो जैसे। हाँ मतलब आप बोलोगे कि हाँ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं तो समझ में आ गया। तो आप एक काम कीजिए, इसको इधर लेट वैल्यू करके एक ले लीजिए, ठीक है, ये भी तो चल जाता। नहीं ये सिंटैक्स नहीं है, सिंटैक्स यही है जो भी कुछ आप पैरामीटर देने की कोशिश कर रहे हो ना, लाइक मेरा इसमें रिक्वायर्ड पैरामीटर है 8 पैरामीटर, तो मैंने इस नाम से एक पैरामीटर को नेमिंग कर दिया, बस इतना ही सिंटैक्स है फंक्शन का, ये सिंटैक्स है और कुछ नहीं, समझ गया? ओके 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 कूल कूल। सो ये देख लिया, अभी और एक चीज देखते हैं कि प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हेलो ओके सुब्रोदी म्यूट योरसेल्फ, किसका आवाज है? आशा ईशान म्यूट योरसेल्फ। चलो कुल अभी हम लोग देखते हैं कि रिटर्न कैसे करते हैं, ठीक है। तो रिटर्न क्या है, पहले फंक्शन लिख लेते हैं अपना फंक्शन INCR, एक ही फंक्शन लिख लेते हैं वैल्यू। अभी जो मैंने एक लॉग बताया ना कि जो प्रिंट करना है, जो प्रिंट कर रहा है, मैं नहीं लिखूंगा, दिस इंस्टेड मैं क्या यूज करूंगा, रिटर्न। तो रिटर्न पहले लिख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, वैल्यू प्लस वन, इसको ओमिट कर देते हैं, वैल्यू प्लस वन। तो इसको चला के देखते हैं रन हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि आपने वैल्यू डाल दिया, ये वैल्यू पास हो गया कॉल करने के वक्त आपने वैल्यू डाल दिया, पास हो गया वैल्यू। अभी वैल्यू प्लस वन जो है वो हो रहा है, उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब 5 to 6 हो गया, वो रिटर्न कर रहे हैं। अगर रिटर्न क्या करना है आपको, अगर एक एग्जांपल दे दूं कि लाइक आपका लाइक एक आपका दोस्त बताया कि भाई जा बाजार से एक चीज़ लेके आ, आपको पैसा वैसा दे दिया, बाजार से एक पेन लेके आ, ठीक है। तो आपको पैसा दे दिया, आपको बोल दिया इस पेन को लेना है, तो आप पेन खरीद लिया। अभी आपको क्या करना होगा कि उसका जो रिजल्ट है, मतलब आपके केस में क्या है, रिजल्ट क्या है, पेन रिजल्ट है, मतलब आप काम कर चुके हैं, आपका दोस्त आपको बोल चुका है कि हाँ भाई तू पैसा लेकर जा कि बाजार में पेन खरीदना है, पेन खरीद के ले आ, तो उसने बोल दिया कि भाई तू ले आना पेन ले आना, वही है रिटर्न वैल्यू प्लस वन, मतलब वैल्यू प्लस वन को रिटर्न करना है। तो आपने पेन खरीद लिया, मगर आपको तो देना पड़ेगा ना, आपका दोस्त को देना पड़ेगा, और देने के लिए आप दोस्त के पास जाओगे, उसको देना पड़ेगा, वो किसी लाइक बैग में रखेगा। तो मैंने तो फंक्शन कॉल कर लिया, मतलब आपका काम तो खत्म हो चुका है। अभी जो फंक्शन है इसमें क्या है, वैल्यू स्टोर है, जो रिटर्न वैल्यू है स्टोर है, इसको किसी अलग वेरिएबल में स्टोर करना है। तो एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं लेट करके,
let var equals to, sorry, var nahi, var is keyword, value करके ले लेते हैं और वैल्यू नहीं, वैल्यू रिजल्ट ले लेते हैं. सो रिजल्ट ले लिया आपने, तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट के अंदर क्या किया, INCR फंक्शन आपने कॉल किया 5 से, उसका जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसका वैल्यू INCR जो फंक्शन है उसके अंदर है, उसके अंदर रिजल्ट है, ठीक है, उसके सॉरी उसके अंदर वैल्यू है. तो आपने स्टोर कर लिया रिजल्ट में, अभी प्रिंट कर दो रिजल्ट लॉक करके, लॉक रिजल्ट RESULT. ओके, अब देख पाओगे उसका रिजल्ट 6, क्लियर. तो क्या हुआ, क्विक रिकैप दे देता हूँ. पहले आपने क्या किया, एक फंक्शन लिखा, वैल्यू पैरामीटर पास किया जो वैल्यू कैच करेगा अपना, और कैच करने के बाद आपने क्या किया, रिटर्न वैल्यू प्लस वन, वैल्यू प्लस वन रिटर्न करेगा, मतलब 5 है तो 6 करके रिटर्न करेगा. किसको रिटर्न करेगा, जहाँ से कॉलिंग हुआ था, जो आपको कॉल किए थे, तो कौन कॉल किए थे, यहाँ पर कॉल हुआ था, तो इसमें रिटर्न हो गया, क्या रिटर्न हो गया, 6 रिटर्न हो गया. तो 6 किस में स्टोर हो गया, रिजल्ट में स्टोर हो गया, और लॉक कर लिया रिजल्ट, लॉक मतलब प्रिंट कर लिया. दैट्स इट, दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. हम लोग क्या सीखेंगे कि फंक्शन हो गया अपना, हमने वेरिएबल कंडीशनल सब कुछ सीख लिया. अभी जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ, थ्रू आउट योर डेवलपमेंट, नॉट ओनली डेवलपमेंट जर्नी, अब लोग लाइक इन फ्यूचर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर आप काम करोगे, तो जो मैं अभी जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है. जो टॉपिक है वो है एरे, है आपका ऑब्जेक्ट्स, ओके, ऑब्जेक्ट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स, एंड थर्ड इज लूप. वही लूप मतलब फॉर लूप और व्हाइल लूप जैसा इवेंचुअली सीखेंगे. अभी एरे क्या है, मैं जानता हूँ आप सभी को एक पता है एरे क्या है, फिर भी क्विक रिकैप दे देता हूँ. आज आपका इस वेबिनार में आप लोगों को क्या बोला कि इस वेबिनार में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इस पार्टिसिपेंट्स का फर्स्ट नेम लो और प्रिंट करवा दो. अगर आपके आप मतलब जितने तक मैंने सीखा है, आप क्या करोगे कि लेट करके पार्टिसिपेंट वन वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, उसका नाम डालोगे, वट एवर इट इज नाम डालोगे, ऐसे करके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोग क्या करोगे, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके करके आप प्रिंट करेंगे. मगर ये सेम ही तो नहीं है, और ये थोड़ा कॉस्टली है. कॉस्टली मीन्स लाइक इस वेबिनार में 135 समाउ 150 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं, तो 150 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा, 150 टाइम्स आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, तो ये थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ही हेप्टिक काम है. तो इसको रिड्यूस करने के लिए एक डाटा टाइप अलग से आ गया है, वो है एरे. ओके, एरे तो एरे क्या करता है, एक ही वेरिएबल में जो भी कुछ रिक्वायरमेंट, जो भी कुछ मैं स्टोर करने जा रहा हूँ, जो भी कुछ स्टोर करने मतलब करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो एक ही वेरिएबल में स्टोर हो सकता है, एक ही वेरिएबल में. तो सिंटैक्स देख लेते हैं, इंट एआरआर कर लेते हैं, इंट एआरआर इक्वल्स टू थर्ड ब्रैकेट ओपन किया, और अभी आप अपना क्या करते हैं, आपका नेम डाल दो, अभिषेक एंड कुछ भी, आयश कुछ भी करके आप नाम डाल दो, ऐसे करके आयोन ऐसे करके नाम डाल दिया. तो वह क्या किया कि आप जितने भी इंफॉर्मेशन डाले वो एक ही वेरिएबल में स्टोर हो गया. अभी इसको प्रिंट करके देख लेते हैं प्रिंट हो रहा है या नहीं. एरे को प्रिंट कर लिया, देखो एरे प्रिंट हो गया, ठीक है. अभी एरे कितने एलिमेंट का है, 3 दिखा रहा है. ये क्या है, एलिमेंट काउंट हो रहा है, 3 एलिमेंट है. अभी एलिमेंट क्या है, एरे में हर एक जो डाटा होता है
हर एक को एलिमेंट कहता है, ठीक है। और एक चीज है, अगर आपको अभी आपको बोलने जाओ कि हाँ भाई या तू एक काम कर, सिर्फ आयास का नाम प्रिंट कर, आप लोग क्या करोगे? उसके लिए एक भी मेथड है, आप लोग एरे डाल दिया और उसके बाद आपका क्या कहते हैं इसको, थर्ड पैकेट ओपन करके जिस नंबर में आयास बैठा हुआ है 1 2, तो 2 डाल दोगे, 2 डाल के आप प्रिंट करोगे, मगर आयास का नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, और जावास्क्रिप्ट क्यों, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामर्स क्या कहता है कि जो एरे का स्टार्टिंग एलिमेंट है उसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है अप टू एन माइनस 1। अब एन माइनस 1 कहता है, एन इज लाइक योर साइज ऑफ एरे। इधर अपन का एरे का साइज क्या है, 3, तो एन माइनस 1 मीन्स 0 टू 2 तक इंडेक्स होगा। मतलब 0 इंडेक्स में अभिषेक बैठा हुआ है, फर्स्ट इंडेक्स में आयास बैठा हुआ है, थर्ड इंडेक्स में आयन बैठा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको एरे 1 किया तो आयास का नाम प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। अभी स्पेशली जावास्क्रिप्ट में अंदर आप कुछ भी एरे के अंदर कुछ भी डाल सकते हो, मतलब ऐसा कोई हार्ड कोर रूल नहीं है कि आपको स्ट्रिंग ही डालना पड़ेगा, आपको बुलियन वैल्यू भी डालना पड़ेगा और आपको नंबर ही डालना पड़ेगा, ऐसा कोई हार्ड कोर रूल नहीं है। आप इसमें ट्रू मतलब बुलियन वैल्यू डाल सकते हो और नंबर भी डाल सकते हो, कुछ भी। देख लेते हैं कि एक सही से काम कर रहा है या नहीं जो मैं बताया। ओके, काम कर रहा है, सब कुछ आप डाल सकते हो, जो भी कुछ आपका डाटा है सब कुछ डाल सकते हो। अभी एरे का 3 फंक्शन देखेंगे, ठीक है। 3 फंक्शन है कि जो ये एरे है, आपको क्या किया, मैं आपको बोला कि हाँ भाई तू तो एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है, तो एक काम कर, आयन को रिप्लेस कर किससे, आयन को रिप्लेस कर राहुल से, राहुल का नेम से। तो आप लोग क्या करोगे, क्या एरे 0 1 2 3 दो नंबर में आयन बैठा हुआ है, तो 0 एरे 2 इक्वल्स टू राहुल कर दोगे तो रिप्लेस हो जाएगा लॉग एरे। ओके, तो क्या किया कि आयन को राहुल से रिप्लेस कर दिया। अभी मैं क्या कहता हूँ, एक ऑपरेशन हो गया, ठीक है, एक ऑपरेशन हो गया, और एक ऑपरेशन कहते हैं कि एंट में, ठीक है, एंट में कुछ वैल्यू डालना है। तो मैंने क्या किया कि हाँ भाई तू एक काम कर कि जो एरे एलिमेंट है इसके एंड में एक वैल्यू डाल दे, कुछ भी वैल्यू, एक स्ट्रिंग डाल दे एबीसी करके। तो अब एक मेथड है कि आप सॉरी गाइस, तो एक मेथड है कि आपका जो वेरिएबल है, ठीक है, जो वेरिएबल है वो आप खुद से कॉमा देकर आप डाल सकते हो, ठीक है, एरे का अंदर जाकर चेंजेस कर सकते हो, मगर ये सही प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ये सही प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस क्या है कि आपके पास एरे अवेलेबल है, 2 फंक्शन है, एक हो गया आपका पुश फंक्शन और एक हो गया पॉप फंक्शन, राइट, पुश फंक्शन और एक हो गया पॉप फंक्शन। तो पुश फंक्शन क्या कहता है, पुश फंक्शन जो भी कुछ आपका रिकॉर्ड डिजायर एलिमेंट है वो एरे का एंड में पुश कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है, मैं लिख देता हूं, पुश एलिमेंट एट द एंड, ओके, एंड पर पुश कर देगा। और पॉप क्या कहता है, एंड में जो भी कुछ एलिमेंट है एक एक करके और डिलीट करते जाएगा, एक एक करके मीन्स वंस एट ए टाइम, मगर लाइक पॉप अगर एक बार फंक्शन आपने कॉल किया है तो आपका जो लास्ट में एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉप एलिमेंट, अच्छा सॉरी डिलीट एलिमेंट, ओके, डिलीट एलिमेंट एट
the end. Okay, delete element at the end. तो देख लेते हैं इसका काम. एरे पुश, अभी एक स्ट्रिंग को पुश कर देते हैं, कुछ भी नाम ले लो, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी को पुश करना है. तो उसके बाद लॉक करते हैं, देखते हैं रन होता है या नहीं, मतलब काम कर रहा है या नहीं. ओके, ए बी सी, ठीक है. अभी पॉप करके देखते हैं पॉप हो रहा है या नहीं. पॉप, सॉरी, एरे एआरआर डॉट पॉप फंक्शन कॉल किया, अभी ए बी सी डिलीट हो रहे हैं या नहीं ये देख लेते हैं. ओके, नहीं हो रहा है क्योंकि मैं पॉप करने से पहले मैं प्रिंट कर रहा था, अभी इसको कॉपी पेस्ट करके पॉप के बाद प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है. देखो डिफरेंस, पहले ए बी सी था, अभी पॉप करने के बाद क्या है, ए बी सी नहीं है, ठीक है. ये तो एंड का केस हो गया. अभी फ्रंट का केस कहते हैं, फ्रंट में भी हम लोग काम ऐसा कर सकते हैं, मतलब फ्रंट ऑफ द एरे कि दो फंक्शन है, एक सिप और एक अनसिप. तो अनसिप क्या करता है, अनसिप फंक्शन लाइक ए आर आर डॉट यू एन एस एच आई एफ टी अनसिप, ए बी सी को हमने फ्रंट में अगर हम लोग डालने का कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अनसिप फंक्शन, ठीक है. अभी प्रिंट करके तो ए बी सी कहाँ ऐड हो गया, तो हम लोगों का पहले एरा सॉरी गाइस एरे ये था, और अनशिफ्ट करने के बाद क्या आया, ए बी सी सामने आ गया. अभी इसको रिमूव करके देख लेते हैं. ओ एस शिफ्ट फंक्शन, शिफ्ट क्या कहता है कि जो वैल्यू आप अनशिफ्ट कर रहे हैं ना उसको ही बस शिफ्ट करेगा, ये नहीं कि आपका जो पूरा का पूरा एरे है वो सामने से शिफ्ट होते जाएगा, बस जो अनशिफ्ट करा गया जो वैल्यू है वही शिफ्ट करेगा. माइंड यू, अनशिफ्ट सॉरी शिफ्ट, ओके, कंसोल डॉट लॉग बाद में भी देना पड़ेगा. तो डिफरेंसेस, ओके, तो क्या किया अनशिफ्ट, क्या किया, एरे का फ्रंट में एबीसी डाल दिया. अभी शिफ्ट ने क्या किया, जो एलिमेंट अनशिफ्ट हुआ था उसको डिलीट कर दिया, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज प्रीटी मच बेसिक ऑफ द एरे फंक्शन, और भी बहुत कुछ है. अब लोगों को रिसोर्स बता दिया जाएगा तो आप एक्सप्लोर करोगे. तो ये हमारा एरे हो गया. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स. तो अभी जो पार्टिसिपेंट्स है हमारा, अभी वेबिनार का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं. वेबिनार में लाइक 155 पार्टिसिपेंट्स है, तो मैंने बोला कि हाँ भाई सिर्फ नाम लेने से नहीं हो पाएगा, तो उसका डिपार्टमेंट भी लेना पड़ेगा तुमको एक साथ. लाइक उसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो उसको उसका डिपार्टमेंट भी हम लाइक प्रिंट करेंगे, ठीक है. तो जो भी कुछ जो ऑपरेशन है, लाइक एक साथ आपका नाम प्रिंट हो गया, एक साथ आपका डिपार्टमेंट प्रिंट होगा, ऐसे इसमें नहीं होता है, एरे में नहीं. आप कर तो सकते हैं कि यहाँ पर अभिषेक कॉमा आपने डाल दिया सी एस सी, ये तो प्रिंट तो हो जाएगा, मगर मैंने मतलब ठीक से नहीं होगा, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब ये सही प्रोसेस नहीं है. एरे के अंदर इतना ज़्यादा ऑपरेशन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है. इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है इसका ऑब्जेक्ट्स का. अभी ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने के लिए जो सिंटैक्स है, लेट ओके लेट यूजर करके एक लेते हैं. लेट यूजर इक्वल्स टू अपने ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है. ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या होता है, की वैल्यू होता है, की एंड वैल्यू, की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है, की वैल्यू पेयर होता है. तो की एंड वैल्यू क्या है देखते हैं. की वैल्यू होता है कि अपने एफ आई आर एस टी
यहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा था कि हम नहीं जान पा रहे थे कि अभिषेक क्या है, फर्स्ट नेम है और डिपार्टमेंट है, मगर यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अभिषेक फर्स्ट नेम है, सी एस सी डिपार्टमेंट है। तो कैसे करेंगे, तो पहले आपको की का नेम देना पड़ेगा, लाइक फर्स्ट नेम इज टू और लाइक इज टू साइन एंड आपका जो भी फर्स्ट नेम है अभिषेक, मेरा लिए अभिषेक, और डिपार्टमेंट एक एक हो गया की वैल्यू पेयर, ठीक है। अभी कॉमा देकर सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद आपका आ जाएगा डिपार्टमेंट, डी ई पी टी करके लिख लेते हैं डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट क्या है मेरा, सी एस सी। तो इसको मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ क्या आता है, लॉग यूजर, लॉग यूजर, ओके। सो देख लेते हैं, आया फर्स्ट नेम अभिषेक, डिपार्टमेंट सी एस सी। अभी इसको हम टेबल में भी प्रिंट कर सकते हैं, क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्सोल डॉट टेबल, ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा देखने में सही रहता है। तो पहला क्या है, इंडेक्स है, ठीक है, पहला इंडेक्स है। जैसे मैंने की बताया ना कि हाँ मतलब कई लोग इंडेक्स बोलते हैं, कई लोग की बोलते हैं, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम सॉरी पहला इंडेक्स में क्या है, फर्स्ट नेम, उसका वैल्यू क्या है, अभिषेक। डिपार्टमेंट क्या है, सी एस सी। तो यहाँ पर हम लोग क्लियर हो गया कि हाँ अभिषेक जो है वो फर्स्ट नेम है बंदे का और डिपार्टमेंट है सी एस सी है। तो ये हम अलग से डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स हो गया हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का बहुत कुछ है अभी भी, मगर इस वेबिनार में अगर बताने जाऊं तो बहुत देर हो जाए, लेंदी हो जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट हमारा प्रीटी मच क्लियर, कॉन्सेप्ट प्रीटी मच क्लियर अपना। अगर इस तक अगर किसी का डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि लास्ट हम लोग लूप करेंगे, लूप के बाद सेशन को रैप अप कर देंगे, पूछ लो। हेलो, क्या हो रहा है, कोई डाउट नहीं है, अगर सबको मतलब क्लियर है तो हैंड रेस कर दो, ऐसे चुपचाप, जल्दी 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 हैंड रेस करो। ओके, ठीक है, चलो अभी सब लोग सो गया तो हम क्या ही कर सकते हैं, मान लेते हैं शायद सेशन इंटरेक्टिव नहीं रहा होगा। सुन जी। ओके ओके, तो सोए नहीं है भैया अभी। हाँ तो रिस्पॉन्स क्या दे कह रहो कि मुझे भी अच्छा लगता है ना कि हाँ तुम लोग सुन रहे हो, ठीक है चलो। फिर तो आज का लास्ट टॉपिक है लूप, ओके। तो सी एंड सी प्लस प्लस जावा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो इस लैंग्वेज में भी लूप्स है और सेम टू सेम लूप है। फॉर व्हाइल हो गया आपका व्हाइल लूप, एंड डू व्हाइल भी है मगर हम लोग नहीं बताएंगे क्योंकि ये काम में नहीं आता है। फॉर हो गया, व्हाइल हो गया, और एक पढ़ेंगे आज फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच, और दो भी है मगर अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक है। तो ये तीन लूप पहले पढ़ लेते हैं, पहले फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटैक्स बहुत हद तक नहीं, सब कुछ एक ही है फॉर लूप का सिंटैक्स। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आपका सिंटैक्स है, पहले फॉर बताना पड़ेगा, उसके बाद जो ट्रैवर्स करेगा आपका जो क्या बोलते आइडेंटिफायर है उसको इनिशियलाइज करना है जीरो से, उस आइडेंटिफायर का जो क्या कहते हैं उसको जो लिमिट है उसको आपको बोलना पड़ेगा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी कुछ है वो बोलना पड़ेगा, ठीक है।
तो हम लोग देखते हैं कि एरे को प्रिंट करते हैं हर एक एलिमेंट को अलग अलग लाइन में, हर एक एलिमेंट को. तो const element equals to arr okay index ही होगा, arr index, arr length. अभी arr length मिस किया गया मैंने. arr length क्या कहता है? arr length लाइक नाम से पता चल गया कि लेंथ एरे का साइज क्या है. फॉर आवर केस एरे का साइज 1 2 3 4 5 6, आवर साइज इज 6. ओके, तो 0 से लेकर 6 तक जाएगा, 6 नहीं 5 तक जाएगा क्योंकि इधर लेस देन है. ठीक है, 5 तक जाएगा. जैसे ही 6 में जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा. तो const element equals to arr index एंड इसको प्रिंट कर लेते हैं एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को. log element element एलिमेंट. तो क्या किया, जो इंडेक्स है एरे का, अच्छा एक काम करते हैं इसको काट करके रन. तो जो एलिमेंट है, सॉरी जो इंडेक्स है वो क्या कर रहा है, एरे को ट्रैवर्स कर रहा है. फॉर लूप का काम ही ऐसा है, ये है कि वो ट्रैवर्स करेगा. तो इंडेक्स जो है वो एरे में जाएगा, एरे का जीरो इंडेक्स में क्या है वो रीड करेगा, वो एलिमेंट में डालेगा और वो प्रिंट कर देगा. ऐसे कंटिन्यूसली सी एस सी आयर्स आयन ट्रू फोर सब कुछ प्रिंट कर देगा. ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं. एंड सेकेंड वन इज डू व्हाइल लूप, नॉट डू व्हाइल, व्हाइल लूप. डूअल भी है, फीचर अवेलेबल है इसमें, मगर हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि डूअल डेवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है सच कोई यूज नहीं करता है. ठीक है, तो व्हाइल लूप क्या है, वही आपका व्हाइल लूप, व्हाइल लिखना पड़ता है और प्यारो पैरेंथेसिस, आप उसके बाद कोड ब्लॉक सबका जो जो ब्लॉक है उसको चालू करना पड़ता है. एक काम करता है कि जो इंडेक्स है ले लेते हैं इंडेक्स, इसको ओमिट कर देते हैं. इंडेक्स इज इक्वल्स टू एरे डॉट, हम लोग क्या करेंगे जो एरे एलिमेंट है वो पीछे से प्रिंट करेंगे. ठीक है, तो arr डॉट एलिएंट ले. तो क्या किया, एरे जो लेंथ कैलकुलेट किया है और कैलकुलेट करने के बाद इंडेक्स में डाला है. तो लेंथ क्या है, 6 है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इंडेक्स जो है इंडेक्स लेस देन या इज सॉरी इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 रख देते हैं. ठीक है, 0, इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अभी एक ही है, सिंटेक्स एक ही है, मतलब काम तो एक ही है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. कंट्रोल वी, ओके तो देखते हैं क्या आता है. सॉरी गाइस, सॉरी एक गड़बड़ हो गया. यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 20 ऐसे कुछ नंबर काउंट हो रहा है. तो ये क्या है, ये हो गया कि आपका इनफाइनाइट लूप चल गया क्योंकि इंडेक्स जो है, पहले इसको बंद कर लेते हैं. ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं. ठीक है, एक मिनट. तो क्या मतलब क्यों हो रहा था कि इंडेक्स जो है इंडेक्स ग्रेटर देन 0 तो फॉल इनफाइनाइट क्यों हो रहे थे, क्योंकि हर वक्त जो चेक कर रहा है व्हाइल लूप वो ट्रू है. ठीक है, वो इनफाइनाइट बार, मतलब एक बार किया, दूसरे बार किया वो ट्रू है, तीसरे बार किया, फोर्थ टाइम किया, ऐसे करके इनफाइनाइट बार वो चल रहा है. ठीक है, मगर आपको क्या करना पड़ता है कि इंडेक्स को डिक्रीमेंट करना होता है. इंडेक्स माइनस माइनस, इंडेक्स माइनस माइनस. तो अभी सही से काम करेगा. तो क्या करेगा कि इंडेक्स का वैल्यू पहले 6 था, वो प्रिंट किया, जो 6 नंबर जो है एलिमेंट है वो प्रिंट किया. उसके बाद माइनस किया, 5 नंबर में जो प्रिंट है सॉरी एलिमेंट है वो प्रिंट करेगा. ऐसे करके सब प्रिंट कर देगा. तो देखते हैं, फिर से लाइव सर्वर चालू करते हैं. इंस्पेक्ट
कंसोल ओके तो ये पिन कर दिया मगर ये कर पड़ा है कि यहाँ पर अनडिफाइंड कह रहा है तो कोई बता सकता है कि ये क्यों हुआ है कि अनडिफाइंड क्यों डाल दिया मतलब पिन कर लिया एनी ऑफ ऑन कुछ भी अगर कुछ भी दिमाग में आ रहे हो तो बोल दो हेलो तो मैं अभी क्या नाम पुकार के किया मतलब कोड फिर से दिखाना प्लीज हाँ देख लो टेक योर टाइम मतलब ज्यादा टाइम मत लियो होगा अगर नहीं हो रहा है तो बोल दो मैं बोल दूंगा और कोई ट्राई करता है तो कर लो अभी सेशन खत्म होने ही वाला है सिक्स सॉरी कौन था ये हेलो हाँ भैया सिक्स लेंथ लेंथ तो मतलब दिक्कत क्या है लेंथ तो सिक्स ही आएगा ना दिक्कत क्या है मैं बताऊँ एक्चुअली यहाँ पर हम आउट ऑफ बाउंड एक वैल्यू को एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं क्योंकि लेंथ अगर सिक्स है okay. तो लास्ट इंडेक्स फाइव है ओके ओके गुड दैट्स द राइट आंसर तो क्या है कि जैसे किसने बताया प्रतीक आयो प्रतीक ने बताया प्रतीक जैसे क्या कि हाँ जो हम लोग कुछ मतलब एरे में कुछ ऐसा एलिमेंट नहीं है उसको एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं कि इंडेक्स इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ है सिक्स ठीक है अभी जीरो से हम लोगों का काउंट शुरू होता है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव करके तो सिक्स नंबर में जो होता है वो नहीं है ठीक है वो नहीं है तो इसलिए अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया हम लोगों को क्या करना पड़ता है इंडेक्स यहाँ पर एरे डॉट लेंथ माइनस वन कर देते हैं और यहाँ पर भी हाँ ओके माइनस वन ही करते हैं सॉरी माइनस वन अभी सही है ठीक है पीछे से आ रहा है फोर टू आयन आया सी ए सी अभिषेक करके ठीक है तो ये हम अपना व्हाइल लूप हो गया अभी हम लोग पढ़ लेते हैं कि फॉर ईच लूप अभी फॉर ईच लूप क्या है कि उसका सिंटेक्स ऐसा है सॉरी ये फॉर है फॉर ईच क्या है फॉर ईच में लाइक आपको क्या पढ़ना पड़ता है आपका सामने एक एरे को एक्सेस करता है फॉर ईच एरे को एक्सेस करके लाइक हमारे लिए इन आवर केस इट इज ए आ रहा है ओके तो फॉर ईच क्या होता है कि एक एलिमेंट है वो क्या है वो जाएगा वो कहाँ पर जाएगा हर एक एलिमेंट में जाएगा वो अपने में वैल्यू स्टोर करेगा मतलब इन दिस केस अभिषेक जो है वो अगर हम लोग ए लूप में चल आए ठीक है तो क्या होगा कि एलिमेंट जो है अभिषेक जो है एलिमेंट के अंदर स्टोर होगा और जो भी कुछ हम लोग ऑपरेशन करेंगे वो ऑपरेट होगा उसके बाद दूसरा जो एलिमेंट है वो फिर से एलिमेंट के अंदर स्टोर होगा वो मतलब वो एग्जीक्यूट होगा ऐसे करके करके पूरा का पूरा एरे प्रिंट मतलब जो भी कुछ करना है वो एग्जीक्यूट होगा ठीक है अभी हम लोग क्या करते हैं एलिमेंट को ऐसे नहीं बोलते हैं एलिमेंट को एस कर लेते हैं ठीक है अभी एस को ओके इसको लॉक कर लेते हैं एस तो एक ही पिन करेगा अभिषेक सी ए सी आई एस आई एन टू ए फोर तो क्या किया एस जो है फॉर ईच मतलब ईच एलिमेंट में जाएगा किसके एलिमेंट में जाएगा एरे का एलिमेंट में जाएगा और हर एक वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगा और जो भी कुछ ऑपरेशन रखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा ठीक है यहाँ पर हम लोग लॉक किया है एस को तो
वही किया कि जो पहला बार जाया है, ठीक है, पहला बार गया इसके अंदर अभिषेक गया तो अभिषेक प्रिंट हो गया, दूसरे बार गया इसके अंदर सीएसई गया, सीएसई डाले। आई होप दिस इज क्लियर। एंड यहाँ तक आज का सेशन खत्म करते हैं, मगर सभी मत मीटिंग लेट करियो, बहुत कुछ अभी भी बाकी है, बहुत कुछ नहीं थोड़ा बहुत बाकी है, दो और भी है फॉर फॉर ऑफ लूप एंड फॉर इन लूप। फॉर ऑफ एंड फॉर इन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं रिसोर्स बढ़ता तो उनको वहाँ से पढ़ लेना। फॉर ऑफ फॉर इन क्या है, जब आप लोग फ्रंट एंड और बैक एंड करोगे तो स्पेशली ज़्यादा यूज होगा कहाँ पर, मालूम है, फ्रंट एंड का एक लाइब्रेरी आता है, सॉरी फ्रेमवर्क आता है जेएस का, वो है एंगुलर, एंगुलर नाम से, तो वहाँ पर बहुत यूज होता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक तो खत्म हो गया, मगर थोड़ा बहुत कुछ बताना है, ठीक है, वो है कि जो मैंने बताया था MDN, उसको देख लेते हैं एक बार। MDN देख लेते हैं, तो MDN क्या है, Mozilla Developer Network है, ठीक है, तो बोल सकते हो कि डेवलपर लोगों का एक लाइक विकिपीडिया, ठीक है, डेवलपर का विकिपीडिया। तो यहाँ पर कुछ भी सर्च करो, अगर मैं आपको बोला ना कि फॉरिन लिख दिया, फॉरिन JavaScript करके, जावा फॉरिन ही लिख दो, फॉरिन करके सर्च किया तो यहाँ पर आ गया सिंटैक्स एरर, फॉर ऑफ लूप भी आ गया, तो फॉर लूप देख लेते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ बता हुआ है कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे करना है सब कुछ। तो W3 स्कूल भी है, मगर मैं ज़्यादातर प्रिफर करता हूँ MDN वेब डॉक्स के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हद तक एक्यूरेट होता है, समझ में बहुत हद तक आता है, ठीक है। अभी कल से डॉम चालू करेंगे, डॉम के बाद आप लोग एक प्रोजेक्ट करोगे, तो अपना अपना एक कल का सेशन इज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डॉम कल चालू होगा, और डॉम में क्या होगा, डॉम के बाद आप आयन भैया जो है, आयन जो है आपको एक प्रोजेक्ट कराएगा, वो प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, डू अटेंड द सेशन टुमारो, एंड आपका बाई एंड ऑफ द सेशन टुमारो आपके पास एक आपका खुद का एक वेबसाइट होगा, ठीक है, खुद का वेबसाइट। तो यही था आज का सेशन में, तो रैप अप कर लेते हैं आज, तो सी यू गाइस इन टुमारो, थैंक यू। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट है अभी भी तो पूछ लिया, मतलब पूछ सकते हो।